सो हाय, स्वागत है आपका बिगनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी बाय अनअकैडमी पे। सो प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर ऑसम वीडियोस एंड लेक्चर्स। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 64,000, बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी मात्र 57,600 रुपीज। बहुत जेन्युइन कॉस्ट है क्योंकि आप इसमें पीटी करते हैं, मेंस करते हैं और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होती है और आप बहुत सारे फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं जो भी आप जिसे पसंद करें, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है इसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हैं 6, 12, 24 महीने की। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आप इसमें अदर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बट मोर प्रेफरली आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मी, माय सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स इन करंट अफेयर एंड जीएस। सो अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं समरी ऑफ राजीव वही मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की जो हमारी किताब है राजीव वही, उसे हम पूरी तरीके से यहाँ पे समरी जो है उसकी पूरी समरी को खत्म करेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम अपने खत्म करेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से ब्रेक करते हुए चल रहे हैं कि जहां पे हमारे चैप्टर्स बड़े हैं वहां पे हम चैप्टर्स को अपने सिंगल रखेंगे, ठीक है, और जहां पे हमारे चैप्टर्स छोटे हैं वहां पे हम एक दो चैप्टर्स को क्लब भी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर पार्ट वन, ठीक है। इसके पार्ट वन में हम लोग अपने 3 चैप्टर्स को खत्म करेंगे, ठीक है, दैट इज सोर्सेस, ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच एंड नेक्स्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है। सो हम इन 3 चैप्टर्स को खत्म करेंगे। असल में मेन हमको करना था अपना एडवेंट ऑफ यूरोपियन, बट ये दोनों साथ के छोटे से चैप्टर्स हैं तो इन दोनों छोटे चैप्टर्स को हमने इसी के साथ ही क्लब करके कर दिया है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट हमारी मॉडर्न इंडिया का कब से हो जाता है, जब शुरुआत होता है ब्रिटिश का इंडिया में, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन के साथ ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। बट ये दो छोटे से चैप्टर्स जो राजीव वही में दिए गए हैं तो इन्हें भी हमने साथ में क्लब कर दिया है। राजीव वही में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो लेस और मोर इंपॉर्टेंट, कम ज्यादा है, सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं। सो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना राजीव वही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि क्या क्या सोर्स है हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से क्या क्या पता चलता है, ठीक है। तो इसे हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, तो हम देखेंगे इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो सोर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो होती है कि जहाँ से जिस दिन से आप क्या हो जाए, मॉडर्न हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, मॉडर्न हो जाए। मॉडर्न का मतलब क्या है, क्या अच्छे कपड़े पहन लेना, ढंग के कपड़े पहन लिए, बाइक में घूमना, सब कुछ घूमना, ये सब क्या मॉडर्न है, क्या कार बाइक में घूमना, नहीं, मॉडर्न का मतलब है थिंकिंग में मॉडर्न हो जाना, मॉडर्नाइजेशन ले आना, ठीक है। तो भले आप बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं और अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, बट वहीं पर हमारे जो क्या नाम है बलवीर पहलवान जी हैं, ठीक है, और क्या नाम है अपनी छोरियों को कहते हैं कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, भले वो धोती कुर्ता पहने, ठीक है, तो बट वो मॉडर्न है, ठीक है। तो पहली चीज़ यही ध्यान रखनी है हमको कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल मशीनरी और बाकी सब चीज़ों से नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब बेसिकली अपनी थिंकिंग से आता है, ठीक है। तो अब वर्ल्ड में मॉडर्नाइजेशन अलग टाइम पे आया होगा, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन अलग टाइम पे आया होगा, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है कि क्या हम आज के टाइम में मॉडर्न हो चुके हैं। बहुत सारे अभी भी हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मॉडर्न के टाइम में हम लोग नहीं ले सकते कि भाई मॉडर्न वो नहीं है, ठीक है, अभी भी लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है, ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा बच्चियों को मारा जाता है, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, डाउरी है, ठीक है, और दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक। तो क्या अभी मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आ गया पूरी तरीके से, नहीं, बट एक तरीके से शुरुआत हो गई है, ठीक है, कह सकते हैं शुरुआत बहुत पहले से हो गई, पूरी तरीके से मॉडर्न अभी तक नहीं बन पाया। अब दूसरी बात कहते हैं कि इंडिया में कब मॉडर्नाइजेशन का हम लोग टाइम कब से मान लें कि भाई मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो एज सच देखिए अभी भी पूरे मॉडर्नाइजेशन को आने में टाइम है, बट बुक्स के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से ये है कि भैया जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए तो ब्रिटिश ने कहा कि हमने आपको मॉडर्न कर दिया, ठीक है, हमने आपको जीन्स पैंट दे दी, हमने आपको वॉशरूम्स दे दिए, वरना आप खेतों में ही करते थे, ठीक है, तो भैया आप मॉडर्न हो गए, ठीक है।
तो वही बात है कि यहाँ से हम लोगों को अपने कोर्स ऑफ व्यू से एनसीईआरटी भी मानती है, सबकी मानती है कि मॉडर्नाइजेशन जब ब्रिटिश एरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो वहीं से हम लोग करेंगे, ठीक है, उसी तरीके से सेम तरीके से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि हमें जो सोर्सेज हैं हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, हमें वो सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। जैसे एंशियंट टाइम में क्या है, जो कोई अभिलेख कहीं लिखे हुए हैं, कोई मृत भांड मिल गया, मतलब कोई भी आपको दबी हुई चीज़ें मिल गई, मम्मीज मिल गई, ठीक है, पुराने टूटे मूटे स्ट्रक्चर मिले, पॉटरी हुई, ठीक है, फिर उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट हुए, इनसे आपको मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा हमें कहाँ से, आर्काइव मटेरियल से। आर्काइव या फिर कहीं पे भी लिख के कुछ लिखा गया है, पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हिस्ट्री लिखी गई है, कोई भी चीज़ें आपस में बात की गई है, डिबेट की गई है, या एक दूसरे को लेटर्स भेजे गए हैं, तो उन्हें आर्काइव कहा जाता है, ठीक है। तो उनसे आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आम बात है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो उसने अपने सारे रिकॉर्ड किस में रखे थे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। कहाँ लोकेटेड है आपको ये ध्यान रखना है, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में आपको ये सारे चीज़ें जितनी भी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के समय की, वो सब आपको कहाँ मिल जाएगी, न्यू दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन स्लाइड्स में नहीं दी होगी, ठीक है, वो आपको अलग से मैं पूरा बताऊंगा, तो आपको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना होगा, अपने स्पेक्ट्रम में कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहला है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। और इसे कब बनाया गया था, जब इसकी जो फॉर्मर थी वो क्या थी, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, 1891 कलकत्ता, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे बनी थी, आम बात है वहीं पे पहले बनेंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सब कुछ शुरू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट, जब देखिए जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्हें तो इंडिया के बारे में पता ही नहीं था कि भाई कहाँ पे क्या है, कहाँ पे पहाड़ नदी नाला क्या है, तो उसके लिए सर्वे कराना होगा, और सर्वे कराने के लिए सर्वेयर जनरल रखना होगा। तो जेम्स रेनल को क्या किया गया, फर्स्ट सर्वेयर जनरल बनाया गया, इनको पहले से एक्सपीरियंस था सर्वे का काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हें सर्वेयर बनाया गया, ठीक है, कि आप भाई सर्वे करो, देखो कि बंधु कहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, कहाँ पे हमें कितने ज़्यादा रॉ मटेरियल, कितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बनाया, सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल बनाया इन 1765 में, ठीक है, कब बनाया, 1765 में इन्हें बनाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ही क्या हो गया, यहाँ से भी साइंटिफिक मैपिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई। अब साइंटिफिक मैपिंग होगी तो उसे पूरी तरीके से बताएंगे, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे नदी है, ठीक है। तो आगे चल के ये सब चीज़ें ब्रिटिश को, इंडिया को गवर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन थे जो अननोन थे, उन्हें भी खोजा गया, ठीक है, वहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज पूरे खोजे गए, और रॉ मटेरियल रिसोर्सेज सब खोजे ब्रिटिश ने, क्योंकि अभी पूरी लैंड उन्होंने जहाँ जहाँ पे अपना कब्जा किया उसका सारा उन्हें यूटिलाइज करना था, ठीक है। तो आप देखिए 1767 को, इस डेट को आप कैसे याद रखेंगे, सीधा चले जाइए 1757, ठीक है। तो 1750, देखिए डेट्स का थोड़ा खेल है, तो डेट्स के खेलों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, क्या हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है, बंगाल में। और उसके बाद आ जाइए 1767, ठीक है, तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल अलॉट हो गया, बन गया, ठीक है। और अगर पूछे बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, तो 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा डेट्स को क्रोनोलॉजी में करते चलना है। अगर आपसे पूछे कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और सर्वेयर जनरल, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, प्लासी, बक्सर, फिर सर्वेयर जनरल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको समझना होगा, ठीक है। फिर इंपीरियल रिकॉर्ड कब बना था, 1891 में बना था, कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, ठीक। हम केवल बेसिक पॉइंट्स को देखते चलेंगे, ठीक है, पूरी कहानी जो भी मेन पॉइंट हमारे काम के लिए हैं, काम के रहेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कहाँ से, राजीव वही से, ठीक है। समरी है तो समरी में ज़्यादा एकदम पूरा अंदर तो नहीं जाएंगे, बट काफ़ी मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं हम लोग सब कवर करेंगे, तो होपफुली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब कवर हो जाएंगे, कुछ छूटा नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम उसके बाद बात करते हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, अब उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के भी रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, उनके भी रिकॉर्ड्स थे, तो उनमें क्या क्या जाएंगे, ब्रिटिश प्रोविंस जो थे वो सारे, प्रिंसली स्टेट जो थे, ठीक है, बाद में इंडिया में आ गए, और उसके बाद फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरी के पास थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा था, किंगडम ऑफ लाहौर, जिसे क्या कहा जाता था, खालसा दरबार, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रिकॉर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं 1800 से लेके 1849 तक के पीरियड के, हमें यहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
पेशवा दफ्तर जो था मराठा किंगडम का, वहां पे भी हमें उसके भी रिकॉर्ड मिल जाएंगे। कहाँ पे? एलिनेशन ऑफिस पुणे में, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान के जो अकाइब है बीकानेर में, वहां पे भी हमें प्रिंसली स्टेट्स जो वहां के हैं उनके बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ डोगरा रूल के बारे में पता चल जाएगा फ्रॉम 1846, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का एरिया लगातार ही रहा है, तो लद्दाख में कौन, इसके ऊपर हम लोग करंट में काफी अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। न्यूज में रहा है इस साल के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डोगरा रूल्स कभी रहा कि नहीं रहा, किसका रूल रहा। तो आज के टाइम में लद्दाख उद्दाख थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रीवा, इन सब का सारा जो आर्काइव्स है वो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। फिर त्रावणकोर और कोची का केरला में, मैसूर केरला, मैसूर इन कर्नाटका में, और कोल्हापुर इन महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर्काइव्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, काफी सब चीजें इनकी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप बहुत अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मस्ट है, ये नोटेड है एकदम, ठीक है। सो अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको इसमें काफी चीजें नोटेड ऐसे पता चलती रहेंगी। तो 1907 में, ठीक है, क्या बनाया गया? होम पॉलिटिकल, नए टाइप के रिकॉर्ड्स बने जिन्हें क्या कहा गया? होम पॉलिटिकल, क्या कहा गया? होम पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये होम पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखिए, 1907 का जो टाइम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का टाइम था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आ चुका था, ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन की बात हो रही थी। तो होम पॉलिटिकल जो ये पूरा रिकॉर्ड था, ये डील किससे कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो 1907 में आया, ठीक है, स्टार्ट हो गया था, और होम पॉलिटिकल किससे डील कर रहा था? पॉलिटिकल और दूसरी बड़ी चीज कम्युनल। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि होम पॉलिटिकल जो रिकॉर्ड थे वो किससे डील करते थे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल और किससे डील करते थे? आपके कम्युनल रिकॉर्ड, दोनों से डील करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, एक और रिकॉर्ड बनने शुरू हुए कब से, जिन्हें कहा गया रिफॉर्म, रिफॉर्म ऑफिस के रिकॉर्ड, किसे? रिफॉर्म ऑफिस के रिकॉर्ड। तो ये रिफॉर्म ऑफिस के रिकॉर्ड किससे डील करते थे? ये डील करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हो गई थी? 1900 से लेके 1937 तक का ये जो ऑफिस था, ये पूरा का पूरा इससे डील करता था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें अभी जो है वो होम पॉलिटिकल है, ठीक है। 1907 दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल और कम्युनल दोनों एंगल्स को देखता था, क्योंकि हमें मालूम है, ठीक है, आगे तो हम चीजों को करते चलेंगे बट हम कोलैबोरेटिव तरीके से करेंगे, जो आगे पीछे के पॉइंट जो भी चल रहे हैं हम उन्हें साथ साथ में करते चलेंगे। और यहाँ पे हम बेसिकली ये समझेंगे कि जब हमें पढ़नी है स्पेक्ट्रम तो किस तरीके से पकड़नी है, ठीक है, पढ़नी है। तो 1909 में हमें मालूम ही है कि क्या आ गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ गए थे, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या लेके आए थे? सेपरेट इलेक्ट्रेट लेके आए थे, ठीक है। तो आम बात है, जो ये होम पॉलिटिकल जो है 1907 में आया, तो ये कम्युनल एंगल को डील करता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। थ्री प्रेसिडेंसीज जो थी, ठीक है, उन तीनों प्रेसिडेंसीज के जो ऑफिस हैं, ठीक है, उनके भी पूरे आर्काइव्स रखे हैं, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे था आपका? बंगाल में था, ठीक है। और क्या नाम है, मद्रास प्रेसिडेंसी के भी रिकॉर्ड रखे गए हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज के भी रखे गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात है अदर यूरोपियन रूलर्स, ठीक है, जो अदर यूरोपियन कंपनीज थी उनके भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो सब आपको मिलेंगे स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं, जब हम इसे पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तब मेनली हमको जो पढ़ना होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन में, वो पढ़ना होता है फैक्ट्रीज, किसकी? इन सारी ब्रिटिश कंपनीज की। तो फैक्ट्रीज हमें पढ़नी होती है, तो उसमें उनकी बेसिक लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ लोकेशन इनकी डिस्कस हुई है, ठीक है, वैसे वहां पे पूरी तरीके से होगी ये डिस्कस, बट यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे भी इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंच के पास कौन सी? चंद्र नागौर और पांडिचेरी, ये दोनों टेरिटरी में फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्काइव्स ऑफ डैनिश, डैनिश के जो पोजेशंस थे, ठीक है, वो कहाँ पे हो गए? ट्रांसफर कर दिए गए कोपेनहेगन। व्हेन दे सोल्ड देयर, सोल्ड क्या कर दिया था? ट्रंकेनबार और सीरमपुर। तो ये दोनों लोकेशन में डच एस्टैब्लिशमेंट थे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि फ्रेंच के चंद्रनागौर और पांडिचेरी में थे, डैनिश के कहाँ थे? ट्रंकेनबार और आपके सीरमपुर में, जिन्हें उन्होंने कब किया गया था? ब्रिटिश को बेच दिया था बाद में, और कब बेचा था? 1845 में। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, और इनके कुछ रिलेटेड जो आपको मिल सकते हैं कहां पे डैनिश के रिकॉर्ड्स, वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में मिल सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, वो सारे के सारे हम लोग करते चल रहे हैं। बाकी ये सब जो है, ये सब इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनका। अब बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड के।
तो मेयर जो कोड बनाया गया था बॉम्बे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क नहीं हो गया है बट आप ध्यान रखिएगा, कब बनाया गया था, 1728 में, ठीक है। तो आम बात है यहां से भी सारे रिकॉर्ड जो है वो आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें मालूम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या लेके आया था, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो बंगाल है, इसी तरीके से आपको सब चीज मर्ज करके चलनी है, बंगाल है उसमें जो रिकॉर्ड है हमें 1774 से लेके 1861 तक के सारे रिकॉर्ड वहां पे हमें मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रिकॉर्ड है वो हमें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में मिलेंगे, जो कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। तो वहां पे जाके अगर आप देखना चाहें इन रिकॉर्ड्स को तो देख सकते हैं अगर आप दिल्ली में हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं फॉरेन रिपॉजिटरीज, ठीक। तो अगर कोई फॉरेन रिपॉजिटरी जो इंडिया में थे वहां पे लेके गए अपने देश में उन्होंने रखे, तो उस तरीके से तो वो कहां कहां मिल जाएंगे, आर्काइव नेशनल इन पेरिस, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंच मिनिस्ट्रीज के, फिर उसके बाद वॉर के, कुछ फ्रेंच की हिस्ट्री, ठीक है। इतना सब कोई प्री में कुछ नहीं पूछे जाने वाला, ठीक। आपसे पूछ लेगा क्या फॉरेन रिपॉजिटरीज ने बाहर भी कलेक्शन रखा है, तो हाँ रखा है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ जानने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर डच के जो रिकॉर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है, हेग में मिलेंगे। एंड द डेनिश एंड पोर्तुगीज आर कैप्ट इन कोपेनहेगन एंड लिस्बन, ठीक। तो ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोपेनहेगन लिस्बन कहाँ है ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं बायोग्राफीज, मेमोरीज और ट्रैवल अकाउंट, तो कुछ इसमें भी हमें काफी चीजें मिल जाएगी। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एबे दोबिस जो है उनकी एक किताब है हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स, ठीक है, उसी टाइम से रिलेटेड है किताब। और ये डील किससे करती है, इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ इंडियन पावर एंड राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है। तो ये जो है पूरा एबे दोबिस की हिंदू मैनर एंड कस्टम, जब ब्रिटिश की पावर बढ़ रही थी और इंडियन जो मुगल्स हैं और प्रिंसली स्टेट जो भी है इनकी पावर जब कम हो रही थी, उस एरा के टाइम का ये क्या कहता है, सोशो और इकोनॉमिक पूरी की पूरी चीजों को बताता है कि उस टाइम क्या कहते था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, पूछेगा हिंदू मैनर्स एंड कस्टम किसने लिखी है, और ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर देगा क्या हिस्ट्री के, जब दूसरे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कस्टम वस्टम वाली बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी जो इंडियंस की लिखी है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिंदू मैनर्स एंड कस्टम आपको एबे दोबिस ने लिखी, ठीक है, जब ब्रिटिश की पावर बढ़ रही थी और इंडियंस की पावर घट रही थी। अब कुछ ब्रिटिश ट्रैवलर्स इंडिया में आए, ठीक, काफी सारों के नाम दिए बट कुछ के नाम ध्यान रखते हैं। जेम्स बर्न्स, इन्होंने नैरेटिव दिया विजिट ऑफ कोर्ट ऑफ सिंध, ठीक। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर बर्न्स, ट्रैवल इनटू बुखारा। तो आपसे इस तरीके से पूछ लेता है, इस क्वेश्चन बनता है कि इनमें से ये कौन सा ब्रिटिश ट्रैवलर था या ब्रिटिश ट्रैवलर नहीं था। असल में ये क्वेश्चन तो आपको जो यहाँ से बनते हैं ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी से ही बनेगा, ठीक, बट कुछ पता नहीं यहाँ से भी बन जाए। तो अलेक्जेंडर बर्न्स क्या थे, आप इतना ध्यान रखें कम से कम ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ठीक है। जेसीडी डेविसन डेविसन ये क्या थे, ये भी एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे, अपर इंडिया के पार्ट में इन्होंने घूमे। फिर उसके बाद जॉन बटलर, ये भी क्या थे, ब्रिटिश थे और आसाम के प्रोविंस में ये काफी इन्होंने एडवेंचर अपना ट्रैवल एंड एडवेंचर किया। तो ये कुछ आपको ऐसे नाम ध्यान रखने होते हैं, हो सकता है कि इनमें से कौन ब्रिटिश ट्रैवलर थे, कौन ब्रिटिश ट्रैवलर नहीं थे, कौन फ्रेंच ट्रैवलर थे। कुछ नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स को देखते हैं, विक्टर जैकोमोंट, ठीक है, इनके जो लेटर्स थे इन्होंने भी ब्रिटिश डोमिनियन के टाइम पे लिखे और तिब्बत लाहौर और बाकी सब के बीच के टाइम का लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि बस ये नॉन ब्रिटिश क्या थे, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैरॉन चार्ल्स, ये भी क्या थे, ट्रैवल किया था कश्मीर और पंजाब का, तो ये भी नॉन ब्रिटिश थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड जनरल्स। तो न्यूज़पेपर और जनरल्स से हमें पता है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलती है। वैसे तो आप अभी आगे चल के हम लोग जब हमारा लेक्चर ही आगे बढ़ता चलेगा तो उसके बाद हम लोग लास्ट में पूरे न्यूज़पेपर और जनरल्स जितने भी हैं उन सबका तो हम पूरे इनलिस्ट करके पढ़ना ही है हमें, बट यहाँ पे जो दिए गए हैं चैप्टर में, क्योंकि हम पूरी इसकी समरी कर रहे हैं तो जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जहाँ जहाँ से भी मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम सबको खंगालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो खंगालते चलना है और उसको लिंक करते चलना है कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप इस लेक्चर्स को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया किस तरीके से मुझे जो है क्या नाम है हमारी किताब जो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम किस तरीके से खत्म करनी है। तो पहला बात अब यहाँ पे आते हैं न्यूज़पेपर जनरल। तो सबसे पहला एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या नाम था, द बंगाल गैजेटी और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, और कलकत्ता गैजेट, ठीक है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो ये ध्यान रखिएगा ये कब स्टार्ट हुआ था, 1780 में, ये ध्यान रखिएगा कब, 1780 में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लिखे नहीं होंगे बट आपको नोट करके रखने होंगे, ठीक है, कब, 1780 में, 1780 में, ठीक है। और क्या नाम है यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है।
तो आगे और कुछ है न्यूज़पेपर जिनके कब कब स्टार्ट हुए, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा हम लोग बेसिकली ये भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में कि क्वेश्चन क्या बनेगा। आपको बेसिकली दिमाग में यही रखना है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि इनमें से जितने भी न्यूज़पेपर्स आपको दिए हैं, वैसे जनरल समय लास्ट में करनी है, इनमें से क्रोनोलॉजी पूछ लेगा पहले कौन था, बाद में कौन था, कब कहां कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कलकत्ता गैजेटी 1784, ठीक है, बंगाल गैजेटी लिखा, कलकत्ता जनरल एडवाइटर 1780, फिर उसके बाद कलकत्ता, फिर उसके बाद मद्रास 1788, बॉम्बे हेराल्ड 1789, और उसके बाद हिंदू एंड स्वदेश मित्र किसने लिखा, जय सुब्रमण्यम अय्यर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये इस तरीके से होना चाहिए कि आप नाम बोले तुरंत के तुरंत मुंह से निकले जय सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था, और द हिंदू है भैया, ठीक है, पूरी जिंदगी इसी के साथ चिपके चिपके रह जाएगी आपकी। तो द हिंदू और स्वदेश मित्र जय सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। फिर उसके बाद केसरी और महारटा, बहुत लोग इसको मराठा मराठा बोलते हैं, ये महारट्टा है, क्या है, महारट्टा, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अमृत प्रताप पत्रिका किशोर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, फिर उसके बाद शूद्रका गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर एन इनसेन और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अब बोलोगे कि ये सब याद कैसे होगा, बार बार पढ़ो याद हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलिए, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, ये किसने लिखा, जेपी वर्मा ने, द ट्रिब्यून एंड आईने अकबरे एम इन पंजाब, ठीक है, ये कुछ अखबार थे, कहाँ कहाँ लोकेशन है ये बताइए उन्होंने, तो पंजाब में था। इस तरीके से पूछा है कि अखबार किसका था, कलकत्ता रीजन का था, पंजाब रीजन का था, साउथ रीजन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ट्रिब्यून और अकबरे आम कहाँ पे, पंजाब में। फिर उसके बाद आता है इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश और काल, ये कहाँ है, एंड गुजराती इन बॉम्बे, ठीक है, ये सब कहाँ पे, बॉम्बे। तो आप बोलेंगे गुजराती बॉम्बे में क्यों, अरे पहले बॉम्बे और गुजरात एक था ढूंढू बेटा, ठीक है, इसलिए बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट सोम प्रकाश और भगवंशी एंड साधरनी, ये कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ पे थे, बंगाल में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कि कहाँ बॉम्बे में कौन सा था, बंगाल में कौन सा था, पंजाब में कौन सा था। जब लास्ट में हम लोग पूछेंगे मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में तो हम इन्हें डिवाइड करके इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। चला चलिए आगे देखते हैं। तो इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज जो थे लिविंग एब्रॉड, उन्होंने भी काफी पब्लिश और जर्नल्स किए, ठीक है। तो उसमें कुछ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोशलिस्ट लंडन में, कहाँ पे, आपसे लोकेशन में भी पूछेगा, ये मैच का कॉलम बना देगा कि इंडियन सोशलिस्ट वंदे मातरम तलवार और गदर कहाँ पे थे, ठीक है, और आपको बता देगा 1 2 3 1 2 3 4। तो दिमाग में ऐसे तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इंडियन सोशलिस्ट भाई लंडन में स्वामी जी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम पैरिस मैडम कामा, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली में घूमते होंगे तो मैडम कामा का आपको रोड दिख जाएगा, ठीक है। तलवार, फिर उसके बाद बर्लिन कहाँ पे, किसने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने। फिर उसके बाद गदर, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, सारे के सारे न्यूज़पेपर जितने भी हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्रिएटिव लेक्चर्स के बारे में, जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी जी का, ये पहले से ही प्री में पूछा गया है और बहुत लोगों की धज्जियां उड़ाई, ठीक है, कि कब ये था। तो जिसके दिमाग में रहा 1882 उसने बाजी मार ली, जिसने नहीं मार पाया तो वो दिमाग से उसके उड़ गया, ठीक है, क्योंकि सबको पता था आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट से तो लिंक करता है, वो था 1760 में, बट आया तो 1882 में ना, तो दिक्कत ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ गई, ठीक है। तो आनंद मठ जो है 1882 में आया, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ गया। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या नाम है बंधु, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी का कौन सा आनंद मठ सन्यासी रिपोर्ट के जो हिस्ट्री उसे बताता है 1882 में आया, और लास्ट वर्क जो था इनका था राजसिम्हा, हिज लास्ट वर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, और ये पहले ही क्वेश्चन 1882 वाला तो पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, आनंद मठ में ही इन्होंने लिरिक्स दिया है किसका, वंदे मातरम का, ठीक है, किसका, वंदे मातरम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको आनंद मठ में ही क्या मिलेगा, वंदे मातरम मिलेगा, वंदे मातरम, यहाँ पे इसके लिरिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, किस भाषा में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बंगाली में, ठीक है। तो आपसे लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछी जा सकती है, ठीक है, तो बंगाली में। और कम से कम एक एरा ध्यान रखें कि 1838-1904 तक थे, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, क्रोनोलॉजी तो छोड़िए, आपसे ये पूछ लेगा कंटेम्प्रेरी कौन था, तो कंटेम्प्रेरी थोड़ा पूछ लेता है, तो इसलिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतने के आसपास की बात है, 1800 से 1900 से पहले की बात है, तो उससे पहले ठीक है मामला। चलिए, फिर उसके बाद ये सब कुछ अलग भाषाओं के थे, ठीक है, तो इतना कोई खास नहीं है, बट फिर भी जान लें तो बेटर है कि किस लैंग्वेज में थे, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। इच्छा राम सूर्य राम देसाई, हिंदी आने ब्रिटानिका, गुजरात ब्रितानिया, गुजराती में लिखी, नॉट ब्रिटानिया। फिर उसके बाद गिरिराज देवी एंड रमा तीर्था थम्मल, इन्होंने क्या लिखा, हु रोट मनोरा रजनी इन 1931 एंड दस
कली मोस्तिवली रिस्पेक्टिवली, कब? तमिल में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा इन्होंने किस में लिखी थी, तमिल में लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे देखते हैं, जी के कृष्ण राव इन्होंने पपेट लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिएगा, पपेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलुगु में लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद वायकॉम मुहम्मदार बसीर जी ने बैकाला सखी लिखी, चाइल्डहुड फ्रेंड्स 1944 में, ठीक है। और क्या नाम है उसके बाद, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग, थजावी शिवा शंकर, तो थोत्तीयुदी मक्कन सन ऑफ स्क्वेंजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मलयालम लैंग्वेज में थी, कम से कम आप इतनी टफ बुक्स को याद रख पाए ना रख पाए, तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना होगा कि ये किन लैंग्वेजेस में थी, कम से कम इतना ध्यान रखें कि किस लैंग्वेज में थी। क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस आपके लैंग्वेज से रहेंगे कि पपेट किस में थी, चाइल्डहुड फ्रेंड किस में थी, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम लैंग्वेज आपको ध्यान रह जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेंटिंग के बारे में, तो कंपनी की पेंटिंग को क्या कहा जाता था, पटना कलाम कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पटना कलाम कहा जाता था। तो आपसे इससे पूछेगा कि पटना कलाम जो है ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन आ गया, ठीक है। तो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसे लिंक कर दें एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न तीनों से, तो आर्ट एंड कल्चर हमेशा लिंक होके इसे आता है, एंशियंट टाइम में क्या आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, गुफा चल रही है, अशोक के पिलर चल रहे हैं, वो सब आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न मिडाइवल में आ जाओ, तो मिडाइवल में जितने भी चाहे मुगल सल्तनत में बनाई गई चीज़ें हों, चाहे सल्तनत पीरियड में हों, किसने क्या बनाया, राजघरानों ने क्या बनाया, ठीक है, तो सारे के सारे वहाँ पे आ गए, सारे के सारे वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर आ गया। ब्रिटिश एरा के टाइम क्या डेवलपमेंट हुआ, तो ब्रिटिश एरा, तो इस तरीके से एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का सब सेक्शन पढ़े, तो सबके आर्ट एंड कल्चर अलग अलग से साथ साथ ही पढ़ते चले, तब आर्ट एंड कल्चर सही से थोड़ा हो पाता है, ठीक है, बाकी मिसलेनियस तो रहता ही। तो पेंटिंग्स जो है उनमें कौन है, पटना कलाम पेंटिंग, ठीक है, तो ब्रिट कंपनी पेंटिंग कहा जाता था, और ये फोकस किस पे रखती थी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट पे बाजार पेंटिंग पे ब्रिटिश को हीरो की तरह दिखाया जाता था, और ब्रिटिश की सफरिंग भी दिखाई जाती थी कि इंडिया में किस तरीके से हो रही है। इसमें दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक है रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है, इसे किसने बनाया था, थॉमस जोन बाकन ने बनाया था 1859 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने पेंट किया था, थॉमस जोन बाकर, कब, 1859। आम बात है 1857 के रिवोल्ट के बाद ही होगा, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ, क्योंकि उसी में क्या हुआ था, लखनऊ पे हमला हुआ था और पूरी चीज़ें उनकी इस तरीके से दिखाया गया। और सेम है उसी इंसिडेंट को मेमोरियल में दिखाया है जोसेफ न्यूल पैटॉन ने, ठीक है, 2 ईयर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये दोनों उसी टाइम से हैं, तो इस तरीके से पूछ सकता है कि मेमोरियन किससे रिलेटेड है, रिलीफ ऑफ लखनऊ किस टाइम के रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से। किसने लिखा, किसने बनाई है, थॉमस जॉन बाकर ने, जोसेफ न्यूल पैटॉन ने, और इसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही थी, किस तरीके से इंडियंस उनकी लेडीज के साथ गलत कर रहे थे, उनके बच्चों के साथ गलत कर रहे थे, ये सब चीज़ों को उन्होंने पोर्ट्रे करके कहाँ दिखाया, ब्रिटेन में दिखाया। अब इसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ज़्यादा आक्रोश पैदा होने लग गया, वो लोग, आम बात है जैसे मीडिया दिखाएगी जो यहाँ पे वो पब्लिक समझेगी, वैसे ही वहाँ की क्या है, वहाँ पे इसी तरीके से उस टाइम मीडिया का समझ लीजिए एक तरीके से ऐसे दिखाया जा रहा था। तो वहाँ पे जैसे वहाँ की मीडिया इंडियंस को कैसे दिखाती थी, भिखारी की तरह, ठीक है, स्नेक चामस और इस तरीके से, तो वो लोग समझते भी ऐसे थे कि इंडिया ऐसा ही कंट्री है, ठीक। तो सेम उसी तरीके से क्या हुआ, ये पेंटिंग्स वहाँ पे जाकर दिखा रही थी कि ये बारबेरियंस हैं, लुटेरे हैं, जैसे कि आपने वो देखी होगी बाहुबली में हुक्का मटाटा वो वाला बंदा जो था, तो सेम उसी तरीके से, सेम इस तरीके से इंडियंस को भी वहाँ पे दिखाया जाता था कि जंगली हैं सारे के सारे। तो इसी तरीके से इन पेंटिंग्स में इनको दिखाया गया है कि इंडियंस पूरी तरीके से जंगली हैं, और ये सब पूरी चीज़ें बताई गई हैं, और इसीलिए कहा गया कि इंडियंस अपने आप को रूल नहीं कर सकते, ठीक है, सिविलाइज नेशन नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, सॉरी। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें कही गई, ठीक है, कहने की बातें हैं बस। चलिए अब बात करते हैं कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग क्या है, कहाँ स्टार्ट हुई, कलकत्ता में स्टार्ट हुई, ठीक है, अमेंद्रनाथ टैगोर ने। अब कालीघाट देखिए, कालीघाट पेंटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में आ जाती है, बट कालीघाट पेंटिंग देखिए केवल बेसिकली देखा जाए तो दुर्गा और उनके रूप्स के ऊपर ही पेंटिंग बनती है, बट ऐसा नहीं है कि सच उसी के ऊपर ही बनती है, मतलब लोकल लाइफ भी है वो भी दिखाई जाती है, कालीघाट पेंटिंग में दिखाई जाती थी। अब उसके लिए आपको दो तीन जो है 19th सेंचुरी में दो तीन नए एकदम तरीके से आए, क्या नाम है, कुछ पेंटर्स आए जिनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा के ऊपर तो आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, इनके ऊपर तो मूवी भी है राजा रवि वर्मा, और शायद उसमें रणदीप हुड्डा ने एक्टिंग की है, तो राजा रवि वर्मा के ऊपर मूवी भी है शायद, पता नहीं शायद वही है या फिर कोई और है, बट है उसके ऊपर पक्का, ठीक। तो नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा 19th सेंचुरी में आया, और एक नई तरीके की पेंटिंग स्टार्ट हुई जिसे कहा गया बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जिसे स्टार्ट किसने किया था, ठीक है,
अभिंद्रनाथ टैगोर ने, अभिंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ एक दो पर्सन का नाम ध्यान रखें, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से इनमें से कौन कौन रिलेटेड नहीं था, तो कौन कौन रिलेटेड है थोड़ा ये पॉइंट ध्यान रख लेते हैं। ई बी हेवेल, क्या नाम है, ई बी हेवेल, ठीक है, सो ये थे, ठीक है, तो ये क्या थे, इन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था एज अ प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद है आनंद कैंटिश कुमार स्वामी, ठीक है, तो आनंद कैंटिश बस ध्यान रख लीजिए, आनंद कैंटिश कुमार स्वामी, ठीक है, तो ये भी क्या थे, इसी से रिलेटेड थे, इन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया था किसमें, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन रिलेटेड था आनंद, इसमें क्या नाम है, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, और कौन रिलेटेड नहीं था, तो ये सारी की सारी पर्सनैलिटीज इससे रिलेटेड थी। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारे के सारे हमने कर लिए। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं फोर्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट, उनकी लोकेशन, फोर्ट विलियम कहाँ, बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, और फोर्ट सेंट एंगोलो कहाँ पे, मालाबार में, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट थे, तो एक बार पूरे चैप्टर का हम ओवरव्यू देखते हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, एकदम फास्ट ओवरव्यू, तो फास्ट अब क्या है, पूरा का पूरा समरी देखते हैं जिस तरीके से देते हैं। तो समरी में क्या है भाई, अगर हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के में जानना है, उसके सोर्सेज के बारे में जानना है, तो हम आर्काइव मटेरियल को देख लें, उसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के देखें, तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में अगर हम जाते हैं तो न्यू दिल्ली में वो है, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, उससे पहले थी इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो 1891 में बना था, कहाँ पे, कलकत्ता में। फिर उसके बाद बात करते हैं जेम्स रेनल की, जो फर्स्ट सर्वे जनरल बने 1765 में, ठीक है, 1757 में प्लासी हुआ, 1764 में बक्सर हुआ, तो 1767 में, हमने ये डेट इस तरीके से याद रखी है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे खालसा दरबार, फिर उसके बाद पेशवा दफ्तर, फिर उसके बाद बीकानेर हाउस, फिर उसके बाद डोगरा रूट। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तीन प्रेसिडेंसीज हैं, उन प्रेसिडेंसीज के रिकॉर्ड हमारे काम आ सकते हैं। फिर उसके बाद अदर यूरोपियन जो रूलर्स हैं उनके भी काम आ सकते हैं। फ्रेंच के एस्टैब्लिशमेंट थे हमें ध्यान रखना है चंद्रनागौर और पांडिचेरी में, डैनिश के पोजेशन थे कॉपेनहेगन में, सॉरी त्रकनबार में, सीरमपुर में, जिन्हें वो ब्रिटिश को बेच के चले गए 1847 में, ठीक। फिर नोट करना है कि सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल में था वो 1774 से 1861 तक, उसके भी रिकॉर्ड हमें मिलेंगे, ठीक है, कब बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर इसे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, पहली बात तो ये। नेक्स्ट उसके बाद जुडिशियल रिकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक, तो इसकी फॉर्मेशन को, उसकी फॉर्मेशन को एक मत कर दीजिएगा। जुडिशियल रिकॉर्ड करते हैं, मेयर कोर्ट कब बना बॉम्बे में, 1728 में। फिर उसके बाद INC के जो रिकॉर्ड्स आपको नेशनल नेहरू मेमोरियल में मिल जाएंगे, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड, तो उसके बाद आपको मिल सकता है आर्काइव नेशनल पेरिस, तो कभी पेरिस घूमने जाए तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद डच के मिल सकते हैं, अगर कोरोना खत्म हो जाए, अगर डच के आपको हेग में मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको कोपेनहेगन लिस्बन में मिल जाएगा, जिनकी आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी होगी। अब बायोग्राफीज की बात करें तो एबे दोबेस की इंडियन मैनर्स एंड कस्टम में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से जब ब्रिटिश ऊपर उठे और किस तरीके से इंडियंस नीचे आ रहे थे, इंडियंस यानी राजा महाराजा और वो सब बाकी लोग। अब ब्रिटिश ट्रैवलर्स की कुछ बात कर देते हैं, केवल ध्यान नहीं रखना है ब्रिटिश ट्रैवलर था कहाँ घूमा कहाँ नहीं। जेम्स बर्न्स सिंध, अलेक्जेंडर बर्न्स बुखारा, JCDA डेविशन अपर इंडिया, और जॉन बटर असम, ठीक है, चलो। फिर नॉन ब्रिटिश विक्टर जैकनमॉन्ट, फिर उसके बाद बॉन चार्ल्स, ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा नाम कहाँ कहाँ पे घूमे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो पहला भैया था बंगाल गजेट कैलकटा जर्नल एडवर्टाइजर 1780 में बना, ठीक, और क्या नाम है, उसके बाद आया कलकत्ता गजेट 1784, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड। सीक्वेंस में पूछ सकता है कि इनमें से पहला कौन सा, बाद में कौन सा, एक जैसे नाम है, कंफ्यूज पक्का करते हैं। हिंदू, स्वदेश मित्र, जय सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी, बंगाली, अमृत बाजार, शूद्रका, इंडियन मिरर, वॉइस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा सारे न्यूज़पेपर जितने दिए, गलती से ये मत सोच लीजिए कि यार टाइम पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सारे, ठीक है। फिर हिंदुस्तान एडवोकेट, ट्रिब्यून, इंदुप्रकाश, सोम प्रकाश, ये सब आगे हिस्ट्री में आने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं सारे के सारे। सोशलिस्ट, बंदे मातरम, तलवार, गदर, सारे के सारे कहाँ बने, किसने बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे, तो इन्हें ये भी पढ़ना है कि किस ईयर में ये थे। क्रिएटिव लिटरेचर में सबसे मेन बंकिम चंद्र चैटर्जी का आनंद मठ 1882, ठीक, किससे रिलेटेड करता है, सन्यासी रिवोल्ट से 1760 से, पहले से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है इनके वर्क से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा वंदे मातरम का लिरिक्स आपको आनंद मठ में मिल जाएगा। फिर इच्छाराम सुयाराम देसाई गुजराती, फिर उसके बाद गिरिराज देवी जी तमिल, फिर उसके बाद जी के राव तेलुगु, फिर वाइकॉम और थयस जी मलयालम, ठीक, इस तरीके से कुछ ध्यान रखना है। मेन लिटरेचर पपेट और चाइल्डहुड फ्रेंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सन ऑफ स्कैंजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी दी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर उसके बाद पेंटिंग की बात करते हैं, पटला ग्राम कंपनी पेंटिंग है, ठीक है, बाजार, स्ट्रीट और उस टाइम के हीरोइक और बाकी सब चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन ही पूरा का पूरा बात करता है। रिलीफ ऑफ लखनऊ थॉमस जॉन बाका 1859 और इन मेमोरिया जोसफ नील पैटॉन 1857। कालीघाट पेंटिंग कब स्टार्ट हुई, 19th सेंचुरी में कलकत्ता में, अभिंद्रनाथ टैगोर बंगाल
बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को उन्होंने रखा। साथ साथ में और कौन लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, ई बी हेबल और आनंद के कुमार स्वामी। ठीक, फोर्ट तीन फोर्ट विलियम बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट सेंट एंगोलो मालाबार। तो इससे हमारा यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर नंबर वन। तो चैप्टर नंबर वन खत्म होता है और अब हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर टू पे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर टू, मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अब जब हिस्ट्री जब हमारी है तो उसके अलग अलग व्यू पॉइंट है, लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो उन्हें अलग अलग नज़रियों से बांट दिया गया। तो कुछ कलोनियल अप्रोच है तो कलोनियल वाले अपने तरीके से कहते हैं, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ठीक है, हर कोई अपने अपने फेमिनिस्ट अपने तरीके से उसे बताते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, तो उसके अप्रोच है मतलब उसे पढ़ने का तरीका। तो सबने अपने अपने तरीके से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को अपने अपने हिसाब से पढ़ा है। तो ये चैप्टर उसी से ही हमारा डील करता है कि किस में किसने क्या किस अप्रोच को बना के रखा। तो पहला वर्ड आपको ध्यान रखना है हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। फर्स्ट वर्ड जो आपको ध्यान रखना है दैट इज हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। एक मिनट, चलिए हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, हिस्टोरियोग्राफी। सो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हिस्टोरिकल तरीके से क्या इंटरप्रेट करता है हर कोई अलग अलग, उसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, चलिए तो अब अलग अलग अप्रोचेस को देखते हैं, जिसमें हम पहला अप्रोच देखेंगे कॉलोनियल अप्रोच। ठीक है, तो कॉलोनियल अप्रोच जो था उसे आम बात है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज के बारे में पूरा बताया गया है, और यहाँ पे कॉलोनियल आइडियोलॉजी जो है आपकी वो डोमिनेट करती है। मतलब इनका कहना ये था, ठीक है, देखिए ये ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इंडिया को, मतलब कि भैया बहुत पुराने बुरे खड्डे हालात में हो। ठीक है, और कहते हैं कि ब्रिटिश जो है वो भारत में क्या लेके आए, यूनिटी लेके आए, पहले ये बिल्कुल यूनाइट नहीं थे, जंगली हैं, अलग अलग कबीलों में रहते हैं, ऐसा कुछ कहना था इनका। सोशल ड्वार्मिज्म की बात करते हैं, ड्वार्मिज्म की बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं जो नेटिव हैं, ठीक है, वो उनका रूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें रूल करना चाहिए, सुपीरियर उन्हें रूल करे ये ज़रूरी है। ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और कहते हैं कि नेटिव्स को रूल करना हमारा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये स्टैगनेंट सोसाइटी है, इसे गाइडेंस की ज़रूरत है जो ब्रिटिश देंगे, इसीलिए इसे कहा गया वाइट मैन बर्डन। ठीक है, सफ़ेद आदमी का बोझ। ठीक है, सफ़ेद भूत। तो इस्टैब्लिशमेंट करेंगे पैक्स ब्रिटानिका की, यानी लॉ एंड ऑर्डर लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे इस बारबरिक सोसाइटी, यानी खत्म होती या फिर एकदम जंगली सोसाइटी में, ऐसा कुछ इन महानुभावों का कहना था। अब इसमें दो मेन महानुभाव हैं, ठीक है, तो उन दो महानुभावों का, ठीक है, देवताओं का नाम देखते हैं। एक तो है हमारे जो ये इस अप्रोच से कहते हैं उनका नाम देख लेते हैं। एक तो है देवता जिनका नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है, जेम्स मिल, MILL। तो जेम्स मिल साहब है एक तो, और एक है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ELPHINSTONE। ठीक है, नाम कोट करना पड़ जाता है कभी कभी, ऐसी दिक्कतें हो जाती है। और विंसेंट स्मिथ, ठीक है, तीसरा पर्सन कौन है, विंसेंट स्मिथ। तो ये तीन लोग हैं जो क्या है, किस आइडियोलॉजी के, किस हिस्टोरियोग्राफी को अपनाते हैं, कॉलोनियल अप्रोच को अपनाते हैं, और ये कहते हैं कि भैया ये जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, यहाँ के लोग जंगली हैं, बारबरिक हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, तो इनको क्या है, रूल करना, गाइड करना इन्हें ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये कॉलोनियल अप्रोच को बेहतर कहते हैं कि हम आपको यूनाइट करेंगे, बढ़िया करेंगे, BMW, एप्पल, आईफोन 11 सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनका कुछ कहना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच। तो नेशनलिस्ट अप्रोच देखिए क्या है, नेशनलिस्ट अप्रोच में यह है कि भाई सारे के सारे लोग हम लोग एक आए, ठीक है, किसी एक के खिलाफ, यानी ब्रिटिश के खिलाफ, जो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दबाव, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा शोषण कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो हम लोग सारे धर्म, रिलीजन, भाषा के सब लोग एक साथ आए और इनके खिलाफ हमने शुरू किया, और हमारे में एकता बढ़ी और सब कुछ अच्छा हुआ, यूनिटी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा हमारे में। ठीक है, और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक नोट करने वाली बात यहाँ पे है, ठीक है, कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है मॉडर्न इंडिया के, वो 1947 से पहले थे ही नहीं। ठीक है, सो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है मॉडर्न इंडिया के, ये नोट करने वाली बात है,
वो 1947 से पहले थे ही नहीं। इससे पहले वाले जो नेशनलिस्ट लीडर जो थे, ठीक है, सॉरी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, वो मेनली किससे डील करते थे? एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से ही डील करते थे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बट आगे चल के बात थोड़ी बदली। कुछ इकोनॉमिस्ट, ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है कि इनमें से किसने की थी, क्या नाम है, कि इनमें से किसने, क्या नाम है, ब्रिटिश का क्या नाम है जो किया था, किससे रिलेटेड, ड्रॉन ऑफ वेल्थ जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, यानी ब्रिटिश जो है सारा पैसा इंडिया से लेके क्या कर रहे हैं, विदेश, अपने देश लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किस किसने इस अप्रोच को कहा था, किसने कहा था इसे अपनी बुक में, मतलब किन्होंने इसे कहा था, इस आइडियोलॉजी को? दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे और जी वी जोशी और आरसी दत्त। ये यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, जेवी जोशी, आरती दत्ता, केटी तलंग, ठीक है, और जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और डी ए वाचा, ठीक है। तो ये और भी लोग थे जिन्होंने इसे अप्रोच को कहा, ठीक है। तो इस अप्रोच को, यानी इकोनॉमिस्ट जो थे उसमें से दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, जी वी जोशी, आरती दत्ता, ठीक है, फिर आपके आते हैं केटी तलंग, आपको कुछ और नाम ध्यान रखने, केटी तेलंग, ठीक है, फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर उसके बाद डी ई वाचा, डी ई वाचा, ठीक है। सो ये नाम आपको ध्यान रखने, कुछ इकोनॉमिस्ट के जिन्होंने इसके बारे में सारी चीजें कही, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद कुछ और नेशनल मूवमेंट के टाइम में नेशनलिस्ट लीडर कुछ और निकल के आए, ठीक है, उन्होंने भी कुछ इसके बारे में हिस्टोरियंस की तरह कुछ कहा, बातें कही। जैसे इसके नाम ले लेते हैं हम लोग, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपनी किताब में कही, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी मजूमदार, ए सी मजूमदार, पिता भाई सीतारामैया, ठीक है। तो लीडर भी थे, साथ में कुछ हिस्टोरिक में अपनी किताबों में भी उन्होंने कहा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। सो मार्क्सिस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे इन लोगों का कहना यह था कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स एंड जो सब्जेक्ट पीपल हैं जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं, और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखती है सब्जेक्ट पीपल्स के अंदर, मतलब लोगों के बीच में भी आके दिखते हैं। तो इसमें दो हिस्टोरियंस के नाम ध्यान रखने, रजनी पालमे दत्त की इंडिया टुडे, इस किताब का नाम आपको ध्यान रखना है, और ए आर देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कब पब्लिश हुई थी, ये फर्स्ट हुई थी 1941 में, और ये 48 में, और ये हुई थी 1940 में इंग्लैंड में, और बाद में 1947 में इंडिया में, ठीक है। तो आर पी दत्ता का ये पैराडिज्म जो है, ठीक है, इसी को आगे चल के किसे क्रिटिसाइज किया, सुमित सरकार जी ने इसे क्या किया, क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और इन्होंने आगे जाके अपनी बातें कही कि ये सिंपलिस्ट अप्रोच है, ठीक है, जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसे नहीं दिखाता है, ठीक। चलिए, सो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया। अब आते हैं सबाल्टर्न, सबाल्टर्न अप्रोच में ये कहा गया कि भैया जो ये सारा का सारा जो है दिख रहा है, जितना भी मूवमेंट और सब कुछ दिख रहा है, ये केवल एलाइट लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बाबा बाबू लोग हैं उन्हीं से है, आम लोगों का इससे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है, ये सब केवल दिखावे की बात है, ठीक है। तो ये सब इनका कुछ कहना था, और केवल इन्होंने ये कहा कि देखिए जो हो रहा है रियलिटी में वो यही हो रहा है, सबाल्टर्न एरिया में ही हो रहा है, और बाकी जो ये लोग हैं आईएनसी और ये सब दिखावा कर रहे हैं। और इस अप्रोच को, इस थॉट के अप्रोच की कौन थी, रंजीत गुहा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कम्युनलिस्ट अप्रोच। देखिए, कम्युनलिस्ट अप्रोच का यह कहना था कि वो शुरुआत से यही दिखा रहे थे कि भैया देखिए कि क्या है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चला ही आ रहा है, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने पूरी की पूरी हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट को ही रिलेटेड पूरा अपना रखा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल ने बड़ा मस्त कहा, इन्होंने कहा देखिए ये जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है वो कलोनियन रूल का नहीं है, ये सब इंडियंस का खुद के अंदर है, ठीक है, ये इंडियंस के अंडर है खुद, क्यों, पोजीशन के लिए, पावर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इसे कहा एनिमल पॉलिटिक्स, क्या कहा, एनिमल पॉलिटिक्स, ऑफिस पाने के लिए आपस में इसीलिए लड़े जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, उसके बाद लिबरल और नियो लिबरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो लिबरल न्यू इंटर लिबरल और नियो लिबरल इंटरप्रिटेशन में, इसमें ब्रिटिशर्स ने ये कहा, कुछ जो इनके ऑथर थे उन्होंने कहा, ठीक है, इस अप्रोच के कि भैया जो ये आप जो कॉलोनी में जो इंडिया में जो कुछ भी कर रहे हैं ये वहाँ की जो ब्रिटिश है ब्रिटिशर्स के लिए ही फेवर में नहीं है, ब्रिटिश पीपल के लिए ही फेवर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की इंडस्ट्री है उसे हार्म हो रहा है। अब ऐसे कुछ बंदे हैं पैट्रिक ओ ब्रेन, हॉपकिंस और केन, ठीक है, तो नाम ध्यान रख सकते हैं, पैट्रिक ओ ब्रायन, दूसरा हॉपकिन,
और तीसरे हैं आपके केन, ठीक है। तो ये तीन हैं जो इस अप्रोच में हैं, ठीक है। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में या फेमिनिस्ट अप्रोच में ये क्या है कि उसमें पूरे के पूरे वुमेन के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से ब्रिटिश ने आए इंडिया में तो कितने सारे रूल्स और कानून लेके आए जो वुमेन के लिए एट लास्ट जाके अच्छे हुए, काफ़ी ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट कुछ तो हद तक लेके आए वुमेन के रिस्पेक्ट में, तो उस अप्रोच को भी इन्होंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली हमें ये भी बताया इन्होंने कि क्या तरीके से वुमेन का रोल रहा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वुमेन ने भाग लिया है तो उन्हें भी पूरी तरीके से सारे राइट सब कुछ मिलने चाहिए, जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे गवर्नमेंट्स ने भी आगे चल के कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की है ये प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें दो बुक्स देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो दो मेन बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में लिखी थी पंडिता रामाबाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी जो बुक है जो रेफरेंस में ले सकती है वो दैट इज मदर इंडिया 1927 बाय कैथरीन मेयो, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको ध्यान रखनी है किसके रिस्पेक्ट में, फेमिनिस्ट अप्रोच के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का कि मेन हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो अप्रोच देख रहे हैं, हिस्टोग्राफी देख रहे हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी थिंकिंग के लोग अलग अलग तरीके से किस तरीके से हिस्टोरिक मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को अलग अलग आइडियोलॉजी से देख रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलोनिस्ट जो कॉलोनियल अप्रोच है उसमें उन लोगों का थॉट ये है कि भैया जो कॉलोनी जो हम आपके यहाँ बना रहे हैं ये अच्छा है, बढ़िया, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, ठीक है, आपको रूल करने की जरूरत है क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, आप एकदम बेकार हैं, इस तरीके का उनका कहना था, ठीक है, कहना है, कहते रहिए, ठीक है, लोगों का काम है कहना। तो इस अप्रोच के बंदे कौन थे, जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंसेंट और विंसेंट स्मिथ, ठीक है। तो ये इनका कुछ कहना था, व्हाइट मैन बर्डन इसी को कहा जाता है। चलिए दूसरा नेशनलिस्ट सपोर्ट, नेशनलिस्ट अप्रोच ने कहा कि भैया हम लोग अलग अलग नाम दाम दंड, मतलब अलग अलग नाम के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग कलर के, हर एक थे, बट हम लोग एक हुए आपके खिलाफ, ठीक है। तो इन लोगों का कहना था कि हम आपके यहाँ यूनिटी लेके आए हैं, तो यहाँ पे इनका कहना था कि हमारी जो यूनिटी है वो आपकी वजह से आई है बट आपके खिलाफ करने की वजह से आई है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव में लेके जा रहे थे या उसे और अलग दिशा में लेके जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से पूरी की पूरी बात की कि एक प्रॉपर दुश्मन के खिलाफ एक हुए, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट अप्रोच है। तो इसमें क्या हुआ, एक बात आपको ध्यान रखनी कि 1947 तक कोई भी मॉडर्न मॉडर्न जो हिस्टोरियन था कोई था ही नहीं, उससे पहले जितने भी हिस्टोरियंस थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन वो सारे एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री की ही बात करते थे, ठीक है। तो बट आगे चल के जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का पूरा बात हुई, ठीक है, तो उसे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, जे वी जोशी, आरती दत्ता, के टी तिलंग, गोपाल कृष्ण गोखले और डी ई वाचे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है तो आप इसे प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद कुछ नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने भी अपनी किताबों में इसके बारे में लिखा, एज अ हिस्टोरियन भी कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले जी, आरती मजूमदार, ए सी मजूमदार एंड पीताभाई सीतारामैया जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। इन्होंने कहा देखिए कॉन्ट्रेडिक्शन है कॉलोनियल मास्टर के बीच में भी और सब्जेक्ट पीपल जो है उनके बीच में, बट जो पब्लिक है उनके बीच में, जो सब्जेक्ट है उनके बीच में भी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। दो किताबें ध्यान रखनी है, रजनी पाल में दत्ते की इंडिया टुडे, ठीक है, कब पब्लिश हुई थी 1947 में पहली और 1947 में बाद में इंडिया में। ए आर देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। तो आर पी दत्ता का जो पैराडिज्म है इसको किसने काउंटर किया, सुमित सरकार जी ने इसे काउंटर किया। और इन्होंने कहा कि भैया देखिए आपका जो अप्रोच है बहुत सिंपलेस्ट वर्जन है मार्क्सिस्ट का क्लासिकल अप्रोच से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आगे देखते हैं, सबल्टन में रंजीत गुहा जी मेन इस स्कूल की थॉट के हैं, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि देखो जो क्या नाम है मेन जो बंदे हैं आईएनसी और उनसे रिलेटेड लोग, ठीक है, जो एलाइट क्लास है सारी की सारी, इनका अलग ही चल रहा है, इनका कोई नेशनलिज्म कुछ नहीं चल रहा है, ये कोई आज़ादी वजादी के लिए नहीं चल रहा है, ये मेन सबल्टन लोग हैं यही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच को इन्होंने रखा। कम्युनिस्ट आम बात है, इन्होंने यही कहा कि हिंदू मुस्लिम के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो अलग हैं, कम्युनिस्ट हो ही गया तब जब इंटरेस्ट दोनों के एक दूसरे से टकराने लगते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट अलग था, ये थोड़ा अलग ही दुनिया में बात कर रहा था, ये कह रहा था देखिए हमसे कोई लेना देना ही नहीं, आपका सारा लेना देना आपका नौकरी और प्रॉफिट से लेना है, पावर से लेना है, तो इसलिए आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बहुत कूल लग रहे, इसीलिए इन्होंने कहा इसे एनिमल पॉलिटिक्स, ठीक है। चलिए अब लिबरल न्यू लिबरल जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग ही कह रही थी, उसका कहना ये है कि देखिए जो आप इंडिया में कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है ब्रिटेन में, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो ब्रिटेन में होना चाहिए वो रुक रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग उसके खिलाफ थे उल्टा, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकल के आता है अप्रोच, और इसके थे कुछ बंदे जिनका नाम था पैट्रिक ओ ब्रेन, हॉपकिंस और केन, जो इस अप्रोच को फॉलो करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट है फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। फेमिनिस्ट अप्रोच में ये बात हुई कि हाँ बात है पूरी तरीके से फेमिनिस्ट का देखा गया कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ ब्रिटिश टाइम में, वो आम बात है हम उसे मना नहीं कर सकते, सती को रोका गया, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और बाकी चीज़ों को उसे हम रोक मना नहीं कर सकते, पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसको भी इन्होंने कवर किया अच्छे से, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि उसे कवर ही नहीं किया, जो पॉजिटिव एंगल था उसे भी लिया, साथ में वुमेन का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो रोल रहा उसे भी अच्छे से लिया और बाकी सब चीज़ें जो भी थी उन सबको भी कवर किया। तो इसमें दो बुक्स को हम बहुत रेफर कर सकते हैं पूरी तरीके से, हिंदू कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक, हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 की बुक है पंडिता रामाबाई जी की, और उसके बाद मदर इंडिया 1927 बाय कैथरीन मेयो, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया सेकंड चैप्टर। सो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत या मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो हम स्टार्ट कर देते हैं वो हम तब से ही कर देते हैं जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का हुआ, इंडिया में आगमन हुआ, तो यूरोपियन जब भारत में आए तभी से हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ना एक तरीके से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कोर्स स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो इसीलिए ऐसा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इसको करने से पहले हम लोग एक पूरा ओवरव्यू लेंगे ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जो अभी जो हम लोग पहले समझ लेंगे चीज़ों को तो वो क्या है बेसिक फैक्ट्स ना, उतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, फैक्चुअल्स में, बट जो स्पेक्ट्रम में एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं उनको हम अलग से चैप्टर में ख़त्म करेंगे। थोड़ा चैप्टर में काफ़ी इधर उधर करके चीज़ें हैं तो अभी हम उसे थोड़ा सिंक्रनाइज और थोड़ा समझने के पर्पज से ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को हम लोग कैसे करेंगे पूरी तरीके से अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें समझना है कि किस तरीके से एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी यूरोपियंस को भारत आने की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या चीज़ थी, क्या दिक्कत हुई कि भैया इन्हें क्या हुआ ज़रूरत पड़ी इंडिया में आने की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसे समझने के लिए हमें कब जाना होगा, हमें जाना होगा 14th century में। तो हम कहाँ जाते हैं, 14th century में जाते हैं हम लोग, और 14th century के वर्ल्ड को समझना होगा, 14th century के वर्ल्ड को समझना होगा और उस टाइम इंडिया की कंडीशन समझनी होगी हमें, तब जाके हमारा सारा काम समझ में आएगा कि ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुआ क्यों, ठीक है। तो देखिए 14th century के आसपास क्या चल रहा है, इंडिया में सल्तनत पीरियड चल रहा है मस्ती में, ठीक है, सल्तनत का पीरियड चल रहा है। उसके बाद क्या है, यूरोप में 15th century में आता है रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल, ठीक है, और उसके बाद लोगों की वहाँ पर इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, कमाई बढ़ती है कह सकते हैं, ठीक। और कमाई बढ़ने के साथ अगर किसी की भी अच्छे अगर किसी की भी सैलरी अच्छी बढ़ेगी, अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा तो सबसे पहले आप क्या चीज़ करेंगे, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे मैं तो आईफोन खरीदूंगा, नहीं, आप सबसे पहले खाना बहुत अच्छा खाएंगे, ठीक है। तो खाना बहुत अच्छा खाएंगे और खाना बहुत अच्छा खाने के लिए आप भाई जैसे आज के टाइम में अभी तो कोविड चल रहा है तो क्या मतलब जब भी तो आप क्या जाएंगे मैकडी जाएंगे स्टारबक्स जाएंगे कहीं पर भी बढ़िया जगह जाके खाना खाएंगे, मतलब जो सबसे बेस्ट फूड क्वालिटी हो जो सबसे बेस्ट फूड हो, ठीक है, आप उसे मंगाएंगे और उसे खाएंगे। सेम उसी तरीके से यूरोप में क्या हुआ, अब चलिए मैप से ही समझते हैं, ये रहा हमारा यूरोप पूरा का पूरा एरिया और आगे चल लेते हैं, ये रहा, ये थोड़ा देखने में मज़ेदार लगेगा, ये पूरा यूरोप एरिया है, ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 14th century में, हमें पहले ये समझना है कि 14th century में इंडिया में क्या हो रहा है, 14th century में इंडिया में हो रहा है क्या नाम है सल्तनत पीरियड है, ठीक है, और उसी टाइम 15th century में क्या हो रहा है यूरोप में क्या है 15th century में रेनेसा आया, ठीक है, तो क्या आया पुनर्जागरण काल आया, ठीक, और वहाँ पे क्या हुआ लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई, क्या जल गई लोगों के दिमाग की बत्ती जली, ठीक है, और बत्ती जलने के साथ यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने के साथ इनकी क्या बढ़ी अच्छे खाने की डिमांड बढ़ी, अच्छे खाने यानी फूड की अच्छे खाने की डिमांड बढ़ी। तो ये अच्छे खाने में क्या खाते हैं, ठीक है, जैसे आप दाल चावल और बाकी चीज़ खाते हैं, इनके लिए मेन चीज़ है नॉनवेज, ठीक है, तो नॉनवेज खाते हैं। और मुर्गा बनाने के लिए पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मुर्गा कब बनेगा जब मुर्गा मसालेदार बनेगा, ठीक है, तो स्पाइसेस चाहिए, ठीक है, मसाले, तो मसाले कहाँ मिलेंगे आपको इंडिया में मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मलायन पेनिनसुला साइड मिलेंगे, तो मैक्सिमम सबसे बेस्ट कहाँ पे मिलेंगे इंडिया में, ठीक है, तो चाहे आपकी कांडमम हल्दी हो और एक से एक बेहतरीन जितने मसाले हैं हमें साउथ पोर्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो मसाले हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन मिलते हैं ज़बरदस्त मिलते हैं, तो मसाले की डिमांड होगी, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता था, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसे एंशियंट टाइम से क्या कहा जाता था यवन प्रिय, क्या कहा जाता था यवन प्रिय, इतना ज़्यादा प्रिय है कि बोरा भर भर के खाते हैं, तो इसे यवन प्रिय कहा जाता था ब्लैक पेपर को।
तो अब जब मसाले की डिमांड बढ़ी है, तो मसाले की जब डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसके प्राइजेस हाई होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर इंडिया से जो जो भी मसाले और बाकी जो भी चीज़ें जा रहे हैं वो जा कैसे रहे हैं, यूरोप पहुंच कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए, तो ये रहा हमारा प्यारा देश इंडिया। यहाँ से मसाला अगर जाना है, ये तो आज के टाइम का प्रेजेंट वर्ल्ड लिया है ताकि थोड़ा आपको समझ में आए चीज़, बाकी उस टाइम का नहीं लिया मैं अपने कोई ऐसा। तो देखिए, यहाँ से पूरा सामान खरीदा और यहाँ पे जो अफगान ट्रेडर्स हैं इनके पास गया, ठीक है। तो नंबर वन बिचौलिया, फिर उसके बाद यहाँ पे गया ईरान और सऊदी वाले एरिया में, यहाँ पे नंबर टू बिचौलिया, फिर यहाँ से टर्की होते हुए लैंड रूट के थ्रू जा रहा है, नंबर तीन बिचौलिया। यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, क्या है यहाँ पे, है ऑटोमन एम्पायर, आपको ध्यान रखना है, ऑटोमन एम्पायर, जबरदस्त एम्पायर, ताकतवर एम्पायर, बहुत तगड़ा एम्पायर, ठीक है, हटाना बहुत मुश्किल। तो ऑटोमन एम्पायर, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना इटली, फ्रांस और पूरा एरिया में एंटर करता और फिर पूरे यूरोप में ये माल बिकता, बाद में यहाँ आता अपने यूके में, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे ब्रिटेन में पहुंचता और पूरा माल इस तरीके से बिकता। तो देखिए यहाँ पे, और यहीं से ऊपर से आपका क्या रहा है, आपका सिल्क रूट भी चल रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो रूट है ये क्या है, लैंड रूट है, क्या है, लैंड रूट है। अब लैंड रूट के थ्रू क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रेड हो रहा है। तो आम बात है, इतने सारे जब बिचौलिए बीच में आएंगे, इतने सारे बिचौलिए जब बीच में आएंगे, ठीक है, एक के हाथ से एक, और अलग अलग सरकारें जो भी बीच में आएंगी तो वो टैक्स लगाएंगे, राजा महाराजा घराने सबको, ये सब प्रोटेक्शन टैक्स और ये सब, जैसे कनिष्का ने बहुत क्या नाम है, एंशियंट टाइम में जैसे बहुत ज़्यादा पैसा कनिष्क और उस सबके पीरियड में कमाया गया था, ठीक है, इस पूरे के पूरे ट्रेड को ही काबू में रख के। अब देखिए कुशांश ने, सॉरी, तो अब देखिए यहाँ पे बात समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड रूट जा रहा है तो बहुत सारे बिचौलियों के हाथ में जाएगा, तो आम बात है सब अपना प्रॉफिट मार्जिन करेंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन करते 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 यहाँ पे जब चीज़ पहुँचेगी तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात हमने समझ ली, अभी हम देखिए बेसिक समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम्स के पूरे फैक्ट भी लेते चलेंगे ताकि थोड़ा भी बेसिक समझ लें। तो अब प्राइस बढ़ी तो ये अगर डिमांड अपनी बढ़ाएगा तो ये वाला अपना प्राइस बढ़ाएगा, ये वाला फिर अपना प्राइस बढ़ाएगा, फिर उसके बाद ये वाला प्राइस बढ़ाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और लास्ट तक आते प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो प्राइस हर कोई अलग से अपना बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद अपने प्रॉफिट भी अलग से बढ़ाते जा रहे हैं, तो चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो भी इंडिया से इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ सोचना होगा, तो उसलिए जुगाड़ सोचा यहाँ पे पोर्तुगीज और इटली ने, ठीक है, और कहा कि भैया हम कोई रास्ता खोजते हैं, क्योंकि ऑटोमन, देखो अगर ये ट्रेड ऐसा ही था तो ये ट्रेड के लिए ये लोग क्यों नहीं चले जाते, ये भी अपने हाथी घोड़े उठाते और टिमिट 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 टिड़ करके आते यहाँ पे और यहाँ आके सामान खरीदते, ये लोग भी वापस चले जाते, बट ऐसा कर इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि बीच में बैठा था ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, तो ये ऐसा करने नहीं देता और इसको तब तक हटाना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि हम ढूंढेंगे, पोर्तुगीज और क्या नाम है इटली ने कहा हम ढूंढेंगे, क्या हम ढूंढेंगे, ट्रेड रूट ढूंढेंगे, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया गया, केप वर्डे की तरफ से पूरे दुनिया को, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को बांट दिया गया था इन दोनों की तरफ। तो पोर्तुगीज को ईस्ट साइड का पूरा पोर्शन दे दिया, ईस्टर्न साइड का, और इनको दे दिया वेस्टर्न साइड का कि आप वेस्ट में खोज करो, ये ईस्ट में खोज करें। तो पहले, सबसे पहले क्या हुआ भाई, इटली वालों ने अपने बंदे को भेजा कि भाई जाओ और इंडिया के लिए ट्रेड रूट या जो भी है अपना खोज के निकालो। तो वो बंदा भाई यहाँ से निकला, यहाँ से घूमते 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 जा रहा था इंडिया, और कुछ जाके वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ पहुँचा। और जब वो यहाँ पहुँचा तो उसने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे लोग हैं वो लाल हैं, रेड हैं, तो वो तो इंडिया आ रहा था, तो उसने उसका नाम रख दिया, उन लोगों का नाम रख दिया रेड इंडियन, जो क्योंकि वो कहाँ पहुँच गया था, यूएस पहुँच गया। अब उसने नई जमीन खोज ली तो नई जमीन का नाम रख दिया न्यू फाउंड लैंड, क्या नाम रख दिया, न्यू फाउंड लैंड, ये अभी भी इसी नाम से। ये कौन थे महानुभाव, ये थे कोलंबस, कौन थे, कोलंबस जी, ठीक है। तो कोलंबस जी 1492 में ऐसा काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो वॉयज होता है ये एक तरीके से फेल हो जाता है, ठीक है, आज तक लोग कहते हैं मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। यूएस नहीं खोज के देते तो आज ना आपको ब्रिटिश स्पेस मिलती और ना आपको बराक ओबामा और बाकी सब मिलता, ठीक है, ना M&M मिलता। चलो, तो अब उसके बाद बैठे यहाँ से इन्होंने, इनका जो वॉयज था उसके बाद क्या नाम है, पोर्तुगाल ने कहा कि अब हम भी अपना वॉयज भेजेंगे, तो उन्होंने एक बंदे को हायर किया और उसे भेजा। तो वो यहाँ से आराम से रास्ता करते 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 यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे मुड़े, और यहाँ से मुड़ के फिर वो सीधा 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 कुछ जाके यहाँ पे आए, ठीक है। तो कब ये उन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने किया 1498 में, कौन थे ये, वास्को डी गामा जी, ठीक है, वास्को डा गामा जी, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ से उन्होंने टर्म लिया, इस टर्म को क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप्स, क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप्स, ठीक है,
अभी भी नाम इसका यही है, केप ऑफ गुड होप्स, क्योंकि यहाँ से उन्होंने नई होप्स दे दी, केप ऑफ गुड होप्स, ठीक है। तो एक नया ट्रेडिंग रूट जो है पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए सेफ भी ढूंढना था, सिक्योर भी ढूंढना था, पायरेट से भी बचना था। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आए वास्को डी गामा जी 1498 में, इन्होंने यहाँ पे जो अपने शिप्स थे उन शिप्स को यहाँ से रिलेटेड जितने भी सामान थे स्पाइसेस को भरा बोरे में और पूरे अपने शिप्स में ला दे, और हमारी उस टाइम इंडिया की शिप इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे शिप भी खरीदे, ठीक है। और इसे लेके वो वापस इसी रूट के थ्रू वापस चले गए, ठीक। और जब ये इस रूट के थ्रू वापस गए तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस टाइम जब पहली बात है, उस टाइम जो वर्ल्ड का ट्रेड था, ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो परसेंटेज था, इंडियन ट्रेड का जो परसेंटेज था वो 61% था, ठीक है, तकरीबन आसपास 60% के आसपास था। इसीलिए जब वो यहाँ से लेके गए तो ये 61% का जो ये पैसा है, ये ट्रेडिंग जो है पैसा कहाँ बीच में जा रहा होगा, ये पूरा का पूरा चल रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम उस टाइम वर्ल्ड नोन ही इतना था, ठीक है। तो ये पूरा पैसा इन बिचौलियों के बीच में ही पूरा का पूरा, जितने लोग हैं, ठीक है, इंटरमीडियरीज हैं, इन्हीं के बीच में ये पैसा जा रहा होगा। तो जब ये वास्को डी गामा पूरा का पूरा जब सामान लेके यूरोप वापस पहुंचते हैं, तो इनको अगर मान के चलो, सिंपल केवल मान रहे हैं एग्जांपल, एक रुपये ने का इन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इन्हें 61 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो 60 गुना प्रॉफिट हो गया। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट और कौन सा बिजनेस देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस इसे इन्हें मिल गया था, ठीक। आगे चल के कंपनी के पास भी पूरे ट्रेड पे इतना ज़्यादा परसेंटेज, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी पूरा जब इंडिया का ट्रेड आ जाता है, मोनोपोली आ जाती है, तो उसके पास भी इसीलिए इतनी ज़्यादा पावर हो गई होती है कि वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि इंडिया उसके पास रहता है, तो इतना ज़्यादा पैसा और सब कुछ वो फिर मैनेज कर पाते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये वास्को डी गामा जी आते हैं, और यहाँ पे जब वो आते हैं तो यहाँ पे उन्हें एक बंदा मिलता है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ पहुँचते हैं? कलिकट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कलिकट। और यहाँ पे उन्हें एक बंदा मिलता है जिसका नाम था जैमोरिन, जो रूलर था यहाँ पे, क्या नाम है उसका? जैमोरिन। ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के बाद जैसे ही ये वापस वहाँ पे जाते हैं, तो अब इनको तो पोर्तुगीज़ को तो समझ में आ जाता है कि भैया ये ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो क्यों ना इसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पकड़ के लिए नेवी बनाई जाएगी। तो मजबूत नेवी हर जगह इस्टैब्लिश की गई, ठीक है, हर जगह नेवियों को इस्टैब्लिश किया गया, ताकि 100 साल तक तो इन्होंने किसी को यहाँ पे एंटर ही नहीं करने दिया इस ट्रेडिंग रूट पे, ठीक है। बट कब तक रोक पाते, आगे चल के बाकी लोग भी इसमें आने लग गए, ठीक है। और जब आए तो ये ट्रेडिंग के लिए हर कोई धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचने लग गया। तो सबने अपनी नेवी मजबूत की, और सबने अपनी नेवी को मजबूत करने के साथ उसमें तोपे लगाए, कैनन्स लगाए, सब कुछ लगाए। ओके, तो आपने मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ करेबियन, तो ये हमें मालूम है करेबियन आइलैंड्स है। तो ये सारे शिप इसी एरिया से जा रहे हैं, देखिए ये सारे शिप इसी एरिया से जा रहे हैं। तो यहाँ पे पायरेट्स जो थे, यहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है, यहाँ पे सोमालिया के पास और यहाँ पे इस साइड, ठीक है, और हुगली के पास भी बहुत ज़्यादा पायरेसी होती थी, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे आपके करेबियन आइलैंड, तो इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैक स्पैरो यहीं पे कहीं रहता होगा, और यहाँ से पूरे जितने शिप ये वापस जाते होंगे इन्हें लूट लेता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा फन के लिए चलो। तो अब बात यह है कि इसी तरीके से बाकी कंपनीज ने भी आना शुरू किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश, ठीक है, फिर उसके बाद आपके आए डच, फिर उसके बाद आपके डैनिश, फिर उसके बाद आपके फ्रेंच, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके आते रहे, ठीक है, और हर ईयर में आके इन्होंने अपने क्या किए, इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट बनाने शुरू किए। अब जब इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट बनाने शुरू किए, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन चैप्टर में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें जानने हैं, इनकी फैक्ट्रीज। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज मतलब ये होता है कि आज की फैक्ट्रीज नहीं, मतलब आप समझिए वेयर हाउस, अपने वेयर हाउस इन्होंने कहाँ सेटअप किए थे, ये मेनली हमें समझना है, ठीक है। तो अपने वेयर हाउस कहाँ सेटल किए, और उन वेयर हाउस में ये क्या करते थे, सामान को इकट्ठा करते थे और एक्सपोर्ट कर देते थे, मतलब भेज देते थे। तो आम बात है इनके सारे वेयर हाउस कहाँ होंगे, कोस्टल एरियाज में ही होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा हर कोई आता गया, और इंडिया के कोस्टल एरिया में सबने अपने एस्टैब्लिशमेंट बनाने लग गए। तो जैसे यहाँ पे पोर्तुगीज़ ने अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ने, यहाँ पे फ्रेंच ने, यहाँ पे डच ने, यहाँ पे फ्रेंच ब्रिटिश सब थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किसके एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ थे, यानी सबकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक फैक्चुअल चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हमें यही करना है इस चैप्टर में, ठीक, कि ये देखिए, ये रहा एक जगह आपको नाम ध्यान रखनी, केप वर्डे, जो पोर्तुगाल और इटली के बीच में बांटा गया था, वो इसी पॉइंट से बांट दिया गया था कि इस साइड का पोर्तुगाल
अपना सर्च करें और साइड का इटली सर्च करें, ठीक है। चलिए तो अब हमें देखना यह है कि कौन कौन सी कंपनीज कब आई, कैसे, किस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किए, ये सारे पॉइंट हमें देखने हैं, ठीक है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे चैप्टर का पहले एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसे किसके हिसाब से करेंगे, हम लोग करेंगे स्पेक्ट्रम के हिसाब से बाद में से करेंगे। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है उसका हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू में हम पूरी तरीके से समझेंगे चीज़ों को कि क्या कैसे किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि कौन सी कंपनी किस ईयर में आई, ठीक है, किस ईयर में आई और किस ईयर में आके उसने अपनी जो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे इस्टैब्लिश की, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके इस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, केवल अभी हम लोग यही देख रहे हैं कंपनी कौन सी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और कब आई, 1498 में, ठीक है। और इसने जो अपनी फैक्ट्री सेटअप की, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले कोचीन में जहाँ पे इसकी फैक्ट्री सेटअप रही 1510 से 1530, तो 1510 से 1530 तक रही कहाँ पे, कोचीन में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 30 में चेंज कर दी और 30 से लेके 1960 तक कहाँ पे रहे ये लोग, गोवा में रहे, ठीक है, 1961 तक कहाँ पे, गोवा में। तो पोर्तुगीज सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में जाने वाले प्राणी थे भारत से, ठीक है। चले तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब उसके बाद क्या नाम है, इसने फैक्ट्रीज अपनी कहाँ कहाँ सेटल की। देखिए इसमें दो चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से इन्होंने केवल इसी जगह नहीं की, कोचीन में ही की और क्या नाम है, गोवा में ही की, और भी बहुत जगह की। ये बेसिक हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे है, बाकी हमें और भी आगे करना है, जब इनकी डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। तो 1600 में आए और इन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ की, ये ध्यान रखना है आपको। तो वेस्ट कोस्ट में इन्होंने की अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे, एक मिनट, वेस्ट कोस्ट में इन्होंने की सूरत और बॉम्बे में, तो वेस्ट कोस्ट में सूरत और बॉम्बे। ईस्टर्न कोस्ट में इन्होंने की कोरामंडल और मसूलीपट्टनम में, कोरामंडल मसूलीपट्टनम ध्यान रखना है। और उसके बाद इन्होंने बंगाल में की, मद्रास में की, कलकत्ता में की, हर जगह बाकी जगह की, हुगली में भी की, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, कौन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कब बनी, 1602 में बनी, ठीक है, 1602 में इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये फॉर्मेशन हुआ तो इसका ईस्ट कोस्ट में इसने कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई, कोरामंडल और पुलिकट, कहाँ पे, कोरामंडल और पुलिकट, और नगरपट्टनम, बंगाल और साथ में हुगली भी इसके एस्टैब्लिशमेंट थे। आपको सबके एस्टैब्लिशमेंट ध्यान रखने होंगे कि किसके एस्टैब्लिशमेंट कहाँ थे, अभी इन लोगों को ये सब चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी। अभी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 में, 1616 में, मेन लोकेशन आपको ध्यान रखनी है सीरमपुर, ठीक है, बंगाल, कहाँ पे, सीरमपुर बंगाल। अब आते हैं हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ये दोनों कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज, ठीक है, डच डैनिश का इतना रोल नहीं रहा। तो उसके बाद है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, मेन हेडक्वार्टर इसका कहाँ, सूरत और पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी हेडक्वार्टर था, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ सेटअप की, पहली सूरत में और फिर उसके बाद पौंडीचेरी में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा सारा काम किनसे रिलेटेड, इन कंपनीज से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक कंपनी के बारे में, हमें प्रॉपर पढ़ना होगा कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया की कंपनी की किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ, ठीक है, फिर डच और डैनिश के साथ और साथ में हमारा फ्रेंच के साथ, तो इन सब कंपनीज को हमें एक एक करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स हैं, आगे भी मिलेंगे, बट अभी हम लोग इसे क्रोनोलॉजिकल वे में जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये जानना है, फॉर्मेशन कब हुई थी, 1498, कौन आया था, वास्को डा गामा जी आए थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वास्को डी गामा जी आए थे, कहाँ पहुँचे थे, कलिकट पहुँचे थे, ये पॉइंट ध्यान रखना है, कलिकट, और किससे मिले, हिंदू रूरल जैमोरिन से मिले, ठीक है, जैमोरिन से मिले, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जो पहले गवर्नर थे पोर्तुगीज के, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अलमेडा, क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अलमेडा। और फ्रांसिस्को डी अलमेडा जी ने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, इनकी पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर,
पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन्होंने चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, सेकंड गवर्नर कौन थे इनके, वो थे अल्फांसो डी अल्बी क्रुक, अल्फांसो डी अल्बी क्रुक, ठीक है। और इन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, इन्होंने पॉलिसी चलाई थी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट कि 1510 में क्या किया था इन्होंने, गोवा को एक्वायर कर लिया था पोर्तुगीज ने, 1510 को इन्हें क्या मिल गया था, 1510 में गोवा इनको मिल गया था, तो गुया जो है इनका हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है 1631, ठीक है, पोर्तुगीज ने क्या किया था, पोर्तुगीज जो किंग थे उन्होंने दहेज में ब्रिटिश जो राजकुमार थे उनको क्या दे दिया था, बॉम्बे दे दिया। तो 1631 में पोर्तुगीज गेव बॉम्बे टू किसको, किनको दे दिया भाई, ब्रिटिश प्रिंस को दे दिया, ठीक है। और वो ब्रिटिश प्रिंस ने आगे चल के किसको दे दिया था, किसको दे दिया था, आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, और किसमें दिया, दहेज में एज अ डावरी, ठीक है, डावरी के तौर पे दिया था, बताओ पूरा बॉम्बे दे दिया था, एक फ्लैट नहीं ले सकते, इनके भौकाल ही नहीं खत्म हो रहे, पूरा दे दिया था बॉम्बे। और 1961 में इंडिया ने इन्हें निकाल दिया था बाय ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो सबसे पहले आए सबसे लास्ट गए, फॉर्मेशन करने वाले बंदे का नाम क्या था, कैबरल, आपको नाम ध्यान रखना है कि अगर पूछे फॉर्मेशन किसने की थी तो कैबरल नाम का बंदा था, ये किसके बाद आया था, आपके क्या नाम है, वास्को डी गामा के बाद आए थे 1500 में, ठीक है। तो कैबरल ने, कैबरल को इसके फॉर्मेशन के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक एक बार देख लेते हैं वापस भैया, 1498 में वास्को डी गामा आए, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, कलिकट में कहाँ पहुंचे, कलिकट पहुंचे, वहां पे उन्हें जैमोरिन नाम का जो राजा था वो मिला, फिर कैबरल ने फॉर्मेशन की थी, फर्स्ट जो गवर्नर थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसने चलाई थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। नेक्स्ट सेकंड जो थे वो है अल्फांसो डी अल्बी क्रुक, उन्होंने चलाई पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। फिर उसके बाद आए आपके 1631 में, 1510 में इन्हें गोवा मिल गया, 1631 में पोर्तुगीज किंग ने बॉम्बे को किसको दे दिया, ब्रिटिश प्रिंस को दे दिया चार्ल्स सेकंड को डाउरी में, और 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू क्या हुआ, इन्हें भारत से इंडियन सरकार ने निकाल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाल दिया। तो ये था कुछ जो बेसिक आपको जानना था पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अभी इनके बारे में और भी कहानी पढ़नी है सबके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, चलिए, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा सीधा कह सकते हैं। तो फॉर्मेशन हुई 1600 में, आपको ध्यान रखना है कब हुई फॉर्मेशन, 1600 में हुई, ठीक है, 31 दिसंबर, थोड़ा ये भी ध्यान ही रख लो, 31 दिसंबर 1600 में इनकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और क्वीन ने इनको क्या किया, क्वीन एलिजाबेथ ने इनको चार्टर दिया, इंडिया में कंप्लीट मोनोपोली दी इनको ट्रेड की, ठीक है, तो पूरी मोनोपोली मिली इन्हें ट्रेड करने की, ठीक है, और कोई फिर ब्रिटिश यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता था, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया उसके बाद, अब आगे देखते हैं क्रोनोलॉजी में क्या क्या इनके साथ चला, ठीक। तो 1613 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई, सूरत में बनाई, तो पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की, सूरत में सेटअप की, ये परमानेंट फैक्ट्री थी, इससे पहले एक टेम्परेरी फैक्ट्री वो लोग बना चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं 1611 में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी, टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, मसूलीपट्टनम में, बट ये टेम्परेरी फैक्ट्री थी, अब इनकी जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो सूरत ही मानी जाएगी, तो पहली फैक्ट्री जब भी पूछे तो सूरत ही होगी इनकी पहली फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि 1615 में, ठीक है, 1615 में कौन आए, आपके आए सर थॉमस रो, सर थॉमस रो आए, जेम्स फर्स्ट के जो इन्वॉय थे वो आए 1615 में जहांगीर के कोर्ट में, तो 1615 में कौन आए, सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में, और इससे पहले 1609 में हमें मालूम है कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कुकर बेचने आए थे, तो 1609 में कौन आए, हमारे कैप्टन हॉकिंस जी जहांगीर के कोर्ट में, और 1615 में सर थॉमस रो, ये भी आए जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक तौर पे ही ध्यान रखने होंगे। 1639 में इन्होंने क्या बनाया, 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कहाँ पे, मद्रास में, कहाँ सेटअप किया, मद्रास में सेटअप किया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और 1668 में इन्हें क्या मिल गया, 1668 में इन्हें क्या मिल गया, इन्हें मिल गया बॉम्बे, बॉम्बे मिल गया, चार्ल्स ने इनको बॉम्बे दे दिया, जो राजा थे उन्होंने इन्हें क्या दे दिया, बॉम्बे दे दिया।
नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1651 में इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री बनाई। कहां पे? हुगली में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। शाह तूजा ने इसके लिए जगह भी दी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें ध्यान रखना है 1632 में, थोड़ा क्रोनोलॉजी उल्टी फुल्टी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1632 में इन्हें क्या मिल गया? इन्हें मिल गया गोल्डन फरमान। क्या मिला? गोल्डन फरमान, ठीक है। कहां से? गोलकोंडा के राजा से, जिसके थ्रू ये लोग आराम से ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि 1698 में इन्हें क्या मिल गया? तीन जो गांव थे, सूतनतुती कालीकट्टा और गोविंदपुर, इन तीनों की जमींदारी मिल गई और यहां पे इन्होंने आगे चल के कलकत्ता शहर बसाया, ठीक है। और 1698 में ही इन्होंने क्या बनाया यहां पे? फोर्ट विलियम। क्या बनाया? फोर्ट विलियम बनाया। और फोर्ट विलियम जो बनाया, इसके जो पहले प्रेसिडेंट कौन बने? वो बने जॉब चिनुक। चिनुक कौन बने? जॉब चिनुक ने ही इसे एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसने एस्टैब्लिश किया फोर्ट विलियम को, जॉब चिनुक जी ने एस्टैब्लिश किया। और सबसे मेन पॉइंट 1717, यहां पे जो आपके मुगल रूलर थे, क्या नाम था उनका? फारुख शियर ने इनको क्या दे दिया? मैग्ना कार्टा। क्या दे दिया? मैग्ना कार्टा दे दिया। तो मैग्ना कार्टा क्या दिया? मैग्ना कार्टा में ये कहा कि आप बंगाल के पोर्ट का बिना टैक्स पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, जिसे क्या कहा गया? दस्तक कहा गया। और यहाँ पे ही उन्होंने एक ही म्यान के अंदर दो तलवार घुसा दी। क्यों? क्योंकि इनको दे दिया फ्री ट्रेड के राइट, और जो वहाँ का जो क्या नाम है, बंगाल का जो नवाब था, उसे नवाबशिप दे दी थी, पूरी अथॉरिटी दे दी थी बंगाल की। तो दोनों में आगे चल के तो दिक्कत होनी थी। तो ब्रिटिश के बारे में एक बार देख लेते हैं पूरे पॉइंट्स वापस से। 1600 में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको चार्टर दिया इंडिया में ट्रेड करने का, पूरी मोनोपोली दी। 1611 में इन्होंने टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में, बाद में एक परमानेंट फैक्ट्री लगाई 1613 में सूरत में, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री देखा जाए तो सूरत ही माना जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 1615 में, तो 1609 में, ठीक है, कौन आपके? कैप्टन हॉकिंस आए जहांगीर के कोर्ट में ट्रेड के लिए छूट पाने के लिए। फिर उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो आए ट्रेड में छूट पाने के लिए। फिर उसके बाद 1639 में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, कहां? मद्रास में। फिर उसके बाद 1632 से पहले आ गया, इन्हें गोल्डन फरमान मिल गया। फिर उसके बाद 1651 में इन्होंने क्या किया? हुगली में अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया। 1668 में इन्हें बॉम्बे मिल गया, ठीक है, चार्ल्स टू ने इन्हें दे दिया, किस पे? किराए पे। और 1698 में इन्होंने सूतनतुती, कालीकट्टा और गोविंदपुर, ये तीन गांव लिए और उसे क्या बनाया इन्होंने? कलकत्ता शहर आगे चल के बनाया, ठीक है। और वहां से अपने ट्रेडिंग का काम शुरू किया, ठीक है। और वहां पे क्या सेटअप किया 1698 में? जॉब चिनुक ने क्या स्टार्ट किया? फोर्ट विलियम को स्टैब्लिश किया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1717 में मुगल एम्परर जो थे फारूख शियर, उन्होंने इनको क्या दे दिया? गोल्डन फरमान दे दिया। अब उस गोल्डन फरमान में यह था, क्या दे दिया इन्हें? दे दिया क्या नाम है, चार्टर दे दिया, ठीक है, मैग्ना कार्टा दे दिया। और इस मैग्ना कार्टा में यह बात थी कि इन्हें पूरी तरीके से छूट मिल गई बंगाल के पोर्ट का फ्री में इस्तेमाल करने के लिए, जिसे कहा जाता था दस्तक, जो आगे चल के दिक्कत होने वाला था किसके साथ? बंगाल के नवाब के साथ, ठीक है। और ना तो ये ऐसा किया गया होता और ना चीजें इतनी ज्यादा आगे चल के खराब होती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था 1717 का, मैग्ना कार्टा, ठीक है। चलिए, तो ये यहां पे हमारा खत्म होता है किसके बारे में? यहां पे हमारी चीज खत्म होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स जितने भी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो हमने कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरी कंपनीज के बारे में कुछ हमें देखना होगा, तो दूसरी कंपनीज में आते हैं हम लोग। चलिए, सो दूसरी कंपनी है हमारी, वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस प्यारी सी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन 1602 में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसकी जो फैक्ट्रीज कहां कहां थी, इसके ऊपर बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, विद ईयर पूछा गया है, तो आपको विद ईयर ही ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मेनली इनका स्पाइस ट्रेड से ही लेना देना था और कॉटन से। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री खोली 1605 में, आगे ये सब मिल जाएगा आपको। पुलिकट में 1610 में, फिर तूरत, फिर कारीकल्ला, फिर कासिम बाजार, फिर पटना और कोचीन, आपको ये सारी फैक्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट पता होनी चाहिए, ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
डच ने पोर्टुगीज पावर को रिप्लेस किया, ध्यान रखिएगा डच ने क्या किया, पोर्टुगीज पावर को रिप्लेस किया, बट ये ब्रिटिश पावर को रिप्लेस नहीं कर पाए थे। और बैटल ऑफ बेदारा, किसमें, बैटल ऑफ बेदारा में ये लोग डिफीट हो गए थे, किससे, ब्रिटिश से, जो हुई थी 1759 में, ठीक है। तो 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में डच हार गए, किससे, ब्रिटिश से हार गए, ठीक है, चलिए। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ ठीक है, हम मलाया पेनिनसुला में देख लेंगे अपना स्पाइस का कारोबार, हम इंडिया में आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमें मत कीजिए। अब लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके कारण पूरा चीज है, वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश को टक्कर देने वाली एकमात्र कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर्मेशन 1664 में हुआ, ठीक है, और इसकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इन्होंने डाली, वो डाली अपनी सूरत में, फर्स्ट फैक्ट्री सबकी आपको ध्यान रखनी है, सूरत में 1668 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री डाली। इन्होंने एक बंगाल में शहर बनाया, एक शहर बताया जिसका नाम रखा इन्होंने चंद्र नागौर, क्या रखा, चंद्र नागौर एक शहर इन्होंने बसाया, एक सिटी बसाई, ठीक है। इस कंपनी की फॉर्मेशन किसने की थी, कोलबर्ट ने की थी, किसने, COLBERT, कोलबर्ट ने इसको फॉर्म किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर था, जो मतलब एक गवर्नर था, उसका नाम आपको ध्यान रखना है ड्यूप्लिक्स, ठीक है, ड्यूप्लिक्स। ड्यूप्लिक्स कब इंडिया आया, 1742 में आया, ठीक है, कब आया, 1742 में इंडिया आता है, और ये काफी कुछ बदल देता है, ठीक है, काफी कुछ बदल देता है। अब उसे हम समझेंगे कि क्या कैसे बदल देता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इनका हेडक्वार्टर क्या था, पौंडीचेरी इनका हेडक्वार्टर था, और ब्रिटिश से 1760 में, कब, 1760 में बैटल ऑफ वाडीवॉश, बैटल ऑफ वाडीवॉश में पोर्तुगीज हार जाते हैं, ठीक है, और अपने एस्टैब्लिशमेंट छोड़ के इन्हें इंडिया से जाना पड़ता है, मतलब कुछ रखते हैं, बाकी इनकी पूरी पावर इंडिया से खत्म हो जाती है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, और उसके बाद कर्नाटिक वॉर भी हुए इनके साथ, तो डच 1602 में बने, ठीक है, डच ने पोर्तुगीज को रिप्लेस किया, बैटल ऑफ बेदारा 1759 में हुई, ब्रिटिश से जीते या हार गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन कोलबर्ट ने की 1664 में, पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत, चंद्र नागौर, और भी बहुत जगह इनके एस्टैब्लिशमेंट थे, मेन एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। ड्यूप्लिक्स 1742 में आते हैं, इनका ही मेन रोल था पूरी की पूरी चीज़ों को, फिर उसके बाद 1760 में क्या नाम है, बैटल ऑफ बॉडी वॉश में ये पूरी तरीके से हार जाते हैं। तो अब हम चीज़ समझते हैं कि हुआ क्या, कैसे सब कुछ हुआ। देखिए, ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, अब देखिए ऊपर के पोर्शन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ऊपर के पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, कारण यह है कि ऊपर मुगल और बाकी अथॉरिटीज हैं, और अभी ये लोग जितने भी हैं इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुगल से पंगा ले लें, क्यों, क्योंकि 1707 तक कौन रहा आपका, औरंगजेब, कौन रहा, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब के रहते पंगा लेना नामुमकिन था, ठीक है, और फारूक शियर तक भी कुछ चीजें कंट्रोल में ही थी इनके, ठीक है, चलिए, और औरंगजेब के मरने के बाद ही सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो जब ये लोग आए अलग अलग, तो पोर्तुगीज ने देखिए अपनी एस्टैब्लिशमेंट यहां पे की, यहां पे अपनी एस्टैब्लिशमेंट किसने की, देखिए यहां पे फ्रेंच भी थे और ब्रिटिश भी थे, ठीक है, पोर्तुगीज का भी यहां पे एस्टैब्लिशमेंट था, ठीक है, इस साइड पोर्तुगीज का भी था, फिर उसके बाद यहां पे डच डैनिश यहीं पे रहे कुछ, फिर यहां पे फ्रेंच ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट डाले, फिर उसके बाद यहां पे ब्रिटिश और क्या नाम है, फ्रेंच और पोर्तुगीज सबके एस्टैब्लिशमेंट थे। तो इस तरीके से सबने अपनी फैक्ट्रीज पूरे इंडिया में हर जगह डाल रखी है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन सबकी क्या है, फैक्ट्रीज हैं, अब इन्हीं फैक्ट्रीज में सारा सामान कलेक्ट करते हैं आसपास के एरिया से, और इसे शिप्स के थ्रू कहाँ बेचते हैं, अपनी अपनी कंट्री भेज देते हैं, और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिल बांट के कमाते हैं, खाते हैं, ठीक है, एंटरप्राइज के तौर पर बहुत सारी बनी थी इसमें। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया है, गांधी जी का कोड है कि इस पृथ्वी पे भाई सब कुछ है सबकी जरूरत के लिए, बट इससे आप किसी की लालच नहीं पूरी कर सकते, तो सारी बात आगे लालच की भी बढ़ती गई, और ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई, ड्यूप्लिक्स बाबा के दम पे, ठीक है। तो ड्यूप्लिक्स बाबा एक नए थॉट प्रोसेस के साथ इंडिया आए, इन्होंने ये सोचा, देखिए इन सबको जो भी सामान खरीदना पड़ता था वो सारा सामान खरीदने के लिए जो पैसा, रुपया, डॉलर, पाउंड, जो कुछ भी चाहिए, दिनार, सुनार, वो सब इन्हें अपनी कंट्री से लेके आना होता था। तो ये ड्यूप्लिक्स के दिमाग में आया, क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि यहीं से पैसा जुगाड़ हो जाए और मुझे कहीं कुछ पैसा लेके ना आना हो, और अब मेरा काम यहाँ से बढ़िया बढ़िया चले। तो देखिए, ये था हैदराबाद प्रोविंस, हैदराबाद कर्नाटका प्रोविंस, कर्नाटक प्रोविंस इतना मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैसूर वैसूर का एरिया, तो हैदराबाद कर्नाटक, ठीक, और यहाँ पे मराठा, ठीक, नॉर्मल तौर पे, और यहाँ पे बंगाल, एकदम बेसिक करके डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक, और बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल बहुत बड़ा था, उड़ीसा, उड़ीसा सब इसी के अंदर आ जाता था, ठीक।
तो अब क्या हुआ, ड्यूप्लेक्स के दिमाग में ये चला कि क्यों ना अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि अगर मुझे यहीं से पैसा जनरेट हो जाए तो वो कैसे मिलेगा, लैंड रेवेन्यू के थ्रू। ठीक है, तो रेवेन्यू के लिए वो लैंड अपनी होनी चाहिए। तो ड्यूप्लेक्स ने एक गेम सोचा कि यहाँ पे जो आपस में हैदराबाद और कर्नाटक में जो जंग चल रही है, किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड जंग चल रही है, गद्दी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें मैं भाग ले लेता हूँ और क्या नाम है, भाग लेने के बाद यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यही होता है ड्यूप्लेक्स इसमें एक पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, हैदराबाद और कर्नाटक की एक पार्टी को ड्यूप्लेक्स सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद उस पार्टी को जिता देते हैं। मान के चलिए एक्स और वाई था कोई, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक में, इसे हम आगे करेंगे अभी पूरी तरीके से, टेंशन मत लीजिए। तो इसको भैया फ्रेंच सपोर्ट कर देते हैं, यानी ड्यूप्लेक्स सपोर्ट कर देते हैं और इनको क्या करते हैं, ए और बी के खिलाफ जिता देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स और वाई जीतने के बाद इसको क्या करते हैं, कुछ टेरिटरी दे देते हैं। अब ये टेरिटरी किसकी होगी, इसकी होगी। अब ये किसके दिमाग में खटकेगा, सबसे पहले ये खटकेगा ब्रिटिश के दिमाग में। तो ब्रिटिश ये कहते हैं कि ब्रिटिश ए और बी को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहां से ही फ्रेंच और ब्रिटिश की राइवलरी इंडिया के रिस्पेक्ट में शुरू हो जाती है। इससे पहले ये लोग खून खराबा कर चुके होते हैं अपने यूरोपियन मैटर्स पे, बट यहाँ पे इंडिया के मैटर पे स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए हमें पढ़ना होगा क्या, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई हुई, जो पूरी जंग हुई, इसे कहते हैं हम लोग कर्नाटिक वॉर। क्या कहते हैं, कर्नाटिक वॉर। ठीक है, तो हमें तीन कर्नाटिक वॉर है, उन तीन कर्नाटिक वॉर को अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कर्नाटिक वॉर यहां पे कर लेते हैं, यहां पे जगह बची हमारे पास। चलिए तो देखते हैं कर्नाटिक वॉर में क्या क्या हुआ। तो इसी से रिलेटेड पूरी की पूरी चीज थी। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर सिंपल सा लिखेंगे, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपकी चली 1746 से 48 तक आपकी चली फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है आपकी, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इंडिया का कोई इशू लेना देना नहीं है, ये ठीक इसलिए ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के ऊपर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन सिंपल तौर पे समझ लो। ठीक है, इतना हमें उसके डिटेल में नहीं जाना कि क्या था ऑस्ट्रिया में, क्या रिलेटेड था, हमें बस इतना समझना है कि ऑस्ट्रिया में गद्दी से रिलेटेड था कि ऑस्ट्रिया में किसको राजा बनाया जाए। तो ये अपने नाना के लड़के को बनाना चाहते थे, ये अपने मामा के लड़के को बनाना चाहते थे, इस चक्कर में ये दोनों वहां पे लड़े, उस चक्कर में ये इंडिया में भी लड़ गए। आम बात है, वहां पे लड़ रहे थे तो यहां पे भी लड़ाई होनी थी। ठीक है, तो वही लड़ाई यहां पे चली ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में। ठीक है, और जो खत्म हुई आपकी किससे, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल से। आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, एक्स ला चैपल। तो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल से ये खत्म होती है। और कब खत्म होती है, कब होती है ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, आम बात है 1748 में ही होगी क्योंकि 1748 में वॉर खत्म हुआ। ठीक है, तो ये पहली जो लड़ाई थी ये आपकी खत्म होती है। अब बात करते हैं सेकेंड युद्ध की, जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी कह सकते हैं आप, कर्नाटिक वॉर भी कह सकते हैं, जो जी में आप कहिए। तो 1749 से लेके ये 54 तक ये दूसरी जंग इनके बीच में चली। अब ये सारा मैटर जो था, ये सारा मैटर इनका किसका था, ये सारा मैटर इनका यहाँ वाला इस लड़ाई का था। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक के प्रोविंस वाला ड्यूप्लेक्स का गेम, क्योंकि ड्यूप्लेक्स आ चुके थे 1742 में, तो उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो ये लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई से रिलेटेड क्या हुआ, तो ब्रिटिश ने, सॉरी फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया, आपको उन दो बंदों का ऐसा नाम जानने की तो कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी जान के रखिए, मुजफ्फर जंग। क्या नाम था बंदू का, मुजफ्फर जंग एंड चांद साहिब। क्या नाम था, चांद साहिब। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग और चांद साहिब। तो ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिश ने जिस पार्टी को सपोर्ट किया उसका नाम था नासिर जंग, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। क्या नाम था, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। तो ये नाम आपको इस तरीके से ध्यान रखने हैं, MJCS NJAWD, कैसे भी करके ध्यान रखो। तो फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग और किसको, चांद साहिब, और ब्रिटिश ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस चक्कर में ये दोनों आपस में लड़ गए। ठीक है, यहाँ पे खूब खून खराबा किया दोनों ने, खून खराबा करने के बाद ये डिसाइड किया। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो कौन था, ड्यूप्लेक्स था, एक तरफ तो पूरा गेम ड्यूप्लेक्स का चला था, और दूसरी तरफ एक बड़ी गजब पर्सनालिटी थी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिप्लोमैट, सबसे ज्यादा ताकतवर एक तरीके से कह सकते हैं, उनका क्या था, ऑफिशियल था ब्रिटिश का, अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत होगी तो कौन संभालेगा, रॉबर्ट क्लाइव संभालेगा। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसी ने पूरी लड़ाई को इस तरीके से काफी अच्छे से किया। और ये लड़ाई कब खत्म हुई, 1754 में, किससे खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ये आपकी जो लड़ाई थी ये
खत्म होती है। तो आपसे किसी भी तरीके से क्रोनोलॉजी में पूछेंगे ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल कब हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब हुई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो मामला यहाँ पे खत्म हो गया और इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया यार हम ना दूसरे के चक्कर में नहीं फंसेंगे, अपना अपना बिजनेस संभालो, फालतू में इन सबके जो लोकल रूलर्स हैं इनके चक्कर में हम लोग नहीं लड़ेंगे। और ड्यूप्लिक्स को वापस बुला लिया जाता है, ठीक है, ड्यूप्लिक्स को क्या करते हैं वापस बुला लेते हैं। अब उसके बाद तीसरी लड़ाई जो हुई, शांत तो बैठा नहीं था, जो तीसरी लड़ाई थी थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर होती है इनकी 1758 से 63 तक, 1758 से 63 तक इनकी होती है थर्ड कर्नाटिक वॉर। अब जो ये थर्ड कर्नाटिक वॉर होती है ये इंडिया के इशू के ऊपर नहीं थी, ये थी सेवन ईयर ऑफ वॉर जो यूरोप में चल रही थी, सेवन ईयर ऑफ वॉर जो यूरोप में चल रही थी उसके ऊपर ये पूरी लड़ाई इनकी बेस थी, ठीक है। तो सेवन ईयर ऑफ वॉर जो यूरोप में चल रही है उसके ऊपर पूरी लड़ाई भाई बेस है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे ये लोग इंडिया में भी लड़ गए, तो यहाँ पे आपको मेन ये जानना है कि 1760 में हुआ इनका क्या मेन लड़ाई जो हम कर चुके हैं, दैट इज बैटल ऑफ वॉडी वॉश। क्या? बैटल ऑफ वॉडी वॉश, जिसमें पूरी तरीके से फ्रेंच हार जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ऑफिशियल कौन था और फ्रेंच ऑफिशियल कौन था। तो फ्रेंच ऑफिशियल जो था उसका नाम था बस्सी, क्या नाम था? बस्सी, ठीक है, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल था उसका नाम था सर आयरकुट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सर आयरकुट, ठीक है। तो सर आयरकुट ब्रिटिश ऑफिशियल और आपके फ्रेंच ऑफिशियल कौन थे? बस्सी जी थे, ठीक है। और लास्ट में पूरी लड़ाई का जो अंत हुआ वो हुआ कब? 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ये पूरी लड़ाई खत्म हुई। किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाने के बाद पूरी के पूरी जितने भी पोर्तुगीज के एस्टैब्लिशमेंट थे, फ्रेंच के एस्टैब्लिशमेंट थे, उन्होंने छोड़ दिए कुछ केवल छोड़ के, और बाकी उनका मामला सारा का सारा खत्म हो गया इंडिया से। और यहाँ पे पूरे इंडिया की जो ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है, वो किसके पास आ गई? ब्रिटिश के, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड का तकरीबन 60-61% जो ट्रेड था वो पूरा उनके झोली में जा गिरा। इसलिए ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं 1763 के बाद कि ये लोग लंदन में जो बड़े बड़े जो मतलब जितने भी पॉलिटिशियन है और वो सब है, ये लोग उनको टक्कर देने लग जाते हैं, उनको काउंटर करने लग जाते हैं। इसीलिए आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट और बाकी एक्ट आए जिससे कंपनी का जो वर्क था, पूरी चीज़ें थी, उसे क्या किया जा रहा था, इंडिया में किस तरीके से चल रहा था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी तक कर लिया, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन के चैप्टर में कि चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमने केवल जो बेसिक था पूरा का पूरा वो हमने सारा का सारा समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है जो हमें और चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन में क्या स्टार्ट हुआ? पोर्तुगीज इंडिया आए 1498 में, ठीक है। क्वेस्ट या डिस्कवरी ऑफ सी रूट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो किसको मिल गया? ऑटोमन टर्क्स को मिल गया, हमने पढ़ी लिया ऑटोमन टर्क। तो रेड सी ट्रेड रूट जो था वो मोनोपोली था इसी इस्लामिक रूलर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग रेवेन्यू अपना चार्ज करते थे जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। और लैंड रूट था वो पूरा का पूरा कौन किसके कंट्रोल में चल रहा था? लैंड रूट चल रहा था पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में? अरब्स के कंट्रोल में चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं 15th सेंचुरी में क्या आता है? रेनेसा आता है, कहां पे? यूरोप में पुनर्जागरण काल, और लोगों के दिमाग की बत्ती जल जाती है, इनकम बढ़ जाती है और स्पाइस की डिमांड बढ़ती है, अच्छे खाने की डिमांड बढ़ती है, इसलिए इसके दाम बढ़ते हैं तो ट्रेड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या होता है, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अब प्रिंस हेनरी जो थे पोर्तुगल के, उन्हें क्या किस नेम से जाना जाता था? नेविगेटर, ठीक है। तो इनका बड़ा इंटरेस्ट था नेविगेशन में। और ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस 1494, अब ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसमें दिए हुए हैं, आपको ये सब ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये ट्रीटी होती है इनके बीच में पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में, वो सब एक्चुअल वहां पे नहीं डाले, कहानी समझाने के लिए थे केवल, ठीक है। तो पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में होती है जिसमें नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया जाता है, केप वर्डे आइलैंड को लाइन रखा जाता है, और ईस्ट वाला साइड दे दिया जाता है किसको? पोर्तुगीज को, और वेस्ट वाला साइड दे दिया जाता है स्पेन को, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। चलिए अब उसके बाद करते हैं कि कौन आया फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। तो सबसे पहले कौन आया? पोर्तुगीज है, जिसमें कौन है? वास्को डी गामा जी, ठीक है। तो वास्को डी गामा जी एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद की मदद से पहुंचे कालिकट मई 1498 में। वहां उन्हें मिला कालिकट का रूलर जिसे हम कर चुके हैं जैमोरिन, सैमुथुरिस भी बोला जाता है,
1498, ठीक है। और यहाँ पे अब बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी पहले से काम कर रहे थे मालाबार कोस्ट में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ओशन में जो ट्रेड है, पार्टिसिपेंट्स में इंडियंस थे, अरब थे, अफ्रीकन्स थे और चाइनीज और जावान्स और भी बहुत लोग थे। नेक्स्ट है पेड्रो अल्वाज़ार गैब्राल। तो ये गैब्राल ही हमने केवल नाम किया था, वहां पे गैब्राल नाम आपको ध्यान रखना, बाकी आप पूरा नाम भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, एक फैक्ट्री सेटअप की कैलीकट में, यही मेन फाउंडर थे इसके, ठीक है। कब, सितंबर 1500 में। वास्को डी गामा वापस इंडिया आते हैं 1501 में और ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं कहां पे, कैन्नौर में। कैलीकट, कैन्नौर और कोचीन इनके इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाते हैं किनके, पोर्तुगीज के, ठीक है। तो ये जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट हम लोग करते चल रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्या होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पहले आपके क्या बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर बनते हैं 1505 में, कब बनते हैं 1505 में बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इन्होंने फोर्ट्रेस कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किए, आजंदीवा, कोचीन, कैन्नौर और कीलवा। फिर उसके बाद इन्होंने जो पॉलिसी चलाई उसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर यानी कार्टेज सिस्टम। फिर आए अल्फांसो डी अल्बिक्रिक, अल्फांसो डी इन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल फाउंडर कौन थे, तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुक्रिक, ठीक है। और इन्होंने अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड बनाया ईस्ट अफ्रीका, रेड सी और बाकी हर जगह पे। और सुल्तानपुर, सुल्तान जो थे बीजापुर का, ठीक है, वो पहले टेरिटरी थी जो यूरोपियंस को मिली। अब बात करते हैं नीनो डी चूना, ठीक, नवंबर 1529 में ये इंडिया आए और इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। कहाँ से, कोचीन से गोवा अपना हेडक्वार्टर जो था उसे शिफ्ट किया, कहाँ, कब, 1530 में। कब शिफ्ट कर दिया, 1530 में इसे शिफ्ट कर दिया कोचीन टू गोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनसे इन्होंने क्या ले लिया, दीव मिल गया, ठीक है। फिर हुमायूं जो थे, हुमायूं ने अपने आप को यहां से क्या नाम है, गुजरात से विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, विड्रॉ कर लिया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट उसके बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या थे पोर्तुगीज के अपने आप को पकड़ बनाने के लिए पूरे इस एरिया में। देखिए गुजरात में केवल एक ही मजबूत रूलर था, मोहम्मद बेगारा, और इसके बाद के जितने भी रूलर थे वो कोई खास नहीं थे। इनके पास एक स्ट्रांग नेवी थी जिसमें कैनन्स लगे हुए थे शिप्स पे। फिर उसके बाद जो 60 माइल्स का पूरा एरिया था गोवा के अराउंड, ये सब इनके पास था। सेंट थॉमस में भी इन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट बनाई थी, आर्मी को सेटअप कर रखा था, और नगरपट्टनम आंध्रा में भी इन्होंने अपने आर्मी स्टैब्लिशमेंट किए हुए थे। इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखी थी गोवा और डक्कन के सुल्तानों के साथ। फिर उसके बाद क्या है, सक्सेसिव बैटल्स जो होती थी विजयनगर के बीच में, डक्कन सुल्तान के बीच में और मुगल्स के बीच में, मराठोस के बीच में, तो उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट करते रहते थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें इन्होंने काफी कुछ करके अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा लिया। अब कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, ठीक है, उससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेडोर डे फजेंडा ये कौन था, ये इनका ऑफिशियल था जो रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू और कार्गोस के डिस्पैच ऑफ फ्लीट के लिए। तो पूछे वेडोर डे फजेंडा कौन था, तो ये आप बता सकते हैं। रिलीजियस पॉलिसी इंटॉलरेंट थी इनकी मुस्लिम्स की, और बाद में इन्होंने हिंदू को भी प्रोसिक्यूट किया, ठीक है, और इन्हें ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ये लोग काफी जील थी, और इन्होंने इस चीज को मना नहीं किया कि यहाँ पे जो हिंदू रूलर्स जो हैं या हिंदू जो औरतें हैं उनसे शादी की जाए। तो इन्होंने शादीवादी के लिए कहा कि भैया शादीवादी करो, बच्चे अच्छे पैदा करो, इन्होंने इसके लिए छूट डाली, बट ब्रिटिश ने इसके ऊपर रोक लगा रखी थी एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इन्होंने कुछ नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, क्या नई क्रॉप्स, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्रॉप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो इन्होंने कौन सी इंट्रोड्यूस की, टोबैको को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर उसके बाद कैशू नट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने बेटर प्लांटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कोकोनट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये सब इन्होंने कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने आगे चल के हुगली में भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और पोर्तुगीज ने आगे चल के हुगली में, जब हुगली इनसे छीन लिया गया था, कैप्चर कर लिया था वापस मुगल्स ने, तो उसके बाद इन्होंने वहां पे पायरेसी का खूब काम किया, ठीक है। तो पायरेसी इन्होंने बहुत ज्यादा की उस साइड में, तो इन्होंने किसी भी तरीके से अपने होल्ड को कमजोर नहीं होने की बहुत कोशिश की, बट एट लास्ट ये बचा नहीं पाए। तो इन्होंने किस तरीके से इनका जो फेवर था, इनको जो मुगल से फेवर मिला हुआ था, किस तरीके से इनका जो फेवर था वो चला गया, ठीक है। तो एज सच ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं था कि एकदम से चला गया, इनको बहुत ज्यादा फेवर मिला हुआ था मुगल्स की तरफ से, और अकबर का भी फेवर मिला हुआ था, सबका फेवर मिला हुआ था, बट इन्होंने ये सब खो दिया अपने ही दम पे। कैसे समझते हैं, मेनली इनकी क्या थी, रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से, ठीक है। अकबर ने 1579 में अकबर ने इनके जो
दो पादरी थे, उनको बुलाया भी था रिलीजियस डायलॉग के लिए। आपको मालूम है बहुत ज़्यादा सेकुलर नेचर के थे अकबर, तो इसलिए उन्होंने बुलाया भी था, जिनमें दो नाम थे रेडाल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसरेटा। ये नाम आपको ध्यान रखने होंगे, अगर आ गया तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। कौन से? रोडाल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसरेटा, इनको बुलाया था। फिर उसके बाद एक सेकंड कमीशन वापस बुलाया अकबर ने, ठीक है, इन्हीं बातों के ऊपर, धन के ऊपर बात करने के लिए, जिसमें आए थे जेरमो जावियर्स और उसके बाद एमैनुअल पिनहेरियो। तो ये दोनों फिर से आए थे। बट जब जहांगीर आ जाते हैं तो जहांगीर इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, बट भले ये लोग, जहांगीर इन्हें पूरी छूट देते हैं कि आप अपना जो रिलीजन है उसे प्रोपोगेट कीजिए, और इसके लिए इन्हें लाहौर में क्या कहते हैं कि भाई पूरी तरीके से छूट से ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते थे। बैप्टिज्म भी किया इन्होंने, चर्च भी बनाया और बाकी सब चीज़ें की। बट बाद में इनका जो है पूरा का पूरा, जो पोर्तुगीज का जो पूरा का पूरा इन्हें फेवर मिला, पोर्तुगीज को जो फेवर मिला था मुगल्स का, वो चला जाता है। वो क्यों चला जाता है, देखिए सब कुछ चला जाता है। 1608 में कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस इंडिया आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो पहुंचते हैं सूरत, और उसके बाद जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, और जहांगीर उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होकर उन्हें 400 मनसबदार की सैलरी और मनसबदार का उन्हें दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1612 में क्या होता है, इंग्लिश शिप जो होता है ड्रैगन, किसके अंडर? कैप्टन बेस्ट के अंडर, और उसके साथ एक छोटा सा शिप होता है ओशियंडर, ठीक है, ये अभी हिस्ट्री में भी काफ़ी आया था बीच में, तो करंट अफेयर में भी नाम में आ गया था। तो ये क्या करते हैं, पोर्तुगीज फ्लीट को हरा देते हैं, और इससे क्या होते हैं, ये लोग मुगल्स बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं इनके इस काम से कि वाह बड़ा बढ़िया किया तुमने, बहुत सही किया, ठीक है। तो इसके कारण भी इनके बारे में थोड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फेवर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो ये क्या नाम है पोर्तुगीज होते हैं, ये लोग थोड़ा उल्टे तरीके से स्लेव ट्रेड और बाकी सब चीज़ों में लगे होते हैं, इसके कारण भी थोड़ा इनकी जो इमेज होती है खराब होती जाती है मुगल्स के अंडर। और एट लास्ट मुगल्स क्या करते हैं, जो हुगली होता है इनका, उसे कैप्चर कर लेते हैं। बट ये लोग सुधरते नहीं है, वहां पे भी अपना पायरेसी का काम ये लोग जारी रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जाके इनके बीच में सब कुछ थोड़ा समझौता होता है, और 1759 में ये सेटल डाउन हो जाते हैं रिवर बैंक्स, ठीक है, सतगांव बंगाल के पास, और लेटर माइग्रेट करते हैं हुगली की तरफ वापस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं हल्के से ही। और 1632 में क्या होता है, हुगली को सीज कर देते हैं, ठीक है, और किसके किसके थ्रू करवाते हैं मुगल इसे, बंगाल का जो गवर्नर था कासिम खान, उसे ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लेव ट्रेड और बाकी जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं, करप्शन और दुनियादारी की चीज़ें, ठीक है। तो इससे यहाँ पे इनके कारण यहाँ पे इनका पूरा का पूरा जो होता है, पूरा जो सपोर्ट होता है वो इनका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। तो डिक्लाइन क्यों हुआ पोर्तुगीज का, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, इजिप्ट पर्सिया और नॉर्थ इंडिया में जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराठे और बाकी जो हैं जो डायनेस्टीज थी आजू बाजू की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, तो पोर्तुगीज को दबना पड़ ही रहा था क्योंकि सारी की सारी इन्हीं की आजू बाजू हो रही थी। फिर उसके बाद इनकी रिलीजियस पॉलिसी के कारण इन्हें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। फिर एक तो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस इनकी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद सी पायरेसी के भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे हुगली साइड में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो इनके जो गोवा के और बाकी जो पोर्ट थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म होता जा रहा था, बाकी पोर्ट बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर रहे थे, और मराठा ने इन्वेड कर दिया गोवा को 1683 में, ठीक है। एट लास्ट जाके डच जो आए, डच ने इनको पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तबाह किया, ठीक है। फिर बाद में इंग्लिश ने भी इन्हें बहुत ज़्यादा खत्म कर दिया, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात है कि जब ब्राज़ील बन जाता है, ब्राज़ील की डिस्कवरी के बाद सबका ध्यान थोड़ा वेस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इनके डिक्लाइन के कारण रहे, किनके? पोर्तुगीज के। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा, ठीक है, पोर्तुगीज का। तो पहले ये लोग तो नेवल पावर के तौर पे आए, और नेवल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवी की पावर, ये इन्होंने यहाँ पे सबके सामने रखी। तो जिसके पास स्ट्रांग नेवी होगी वो क्या करेगा, पूरा का पूरा बढ़िया से रूल करेगा। तो एक बात तो ये सामने लेके आए, दूसरी बात इनके जो शिप्स में कैनन थे ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की कि कैनन लगाए जाए। फिर ड्रिलिंग ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, इन्फेंट्री के, वो ये लोग लेके आए स्पेनिश मॉडल पे, ठीक है, 1630 में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एट शी को भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है। तो ये कुछ मेन पूरी के पूरे पॉइंट थे पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो जितने मेन पॉइंट थे वो सब हमने कर लिए, कुछ हमारा बता नहीं है। एक बार छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि 1498 में वास्को डी गामा कैलिकेट आते हैं, जैमोरिन से मिलते हैं अब्दुल माजिद के साथ। 1503 में 1503 में फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट बनाया जाता है कोचिन में। 1505 में 1505 में सेकंड पोर्तुगीज फोर्ट बनाया जाता है कन्नौर में। 1509 में गुजरात के जो फ्लीट होते हैं पूरी तरीके से डिफीट करते हैं फ्रांसिस्को अल्मेडा जी। फिर उसके बाद 1510 में अल्फांसो अल्बिक्रिक को क्या मिल जाता है, गोवा मिल जाता है बीजापुर से।
1530 में गोवा को क्या कर देते हैं, ये लोग कैपिटल बना देते हैं। 1535 में इन्हें दीव मिल जाता है। 1559 में ये दमन को कैप्चर कर लेते हैं। और 1596 में क्या नाम है, साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। और 1612 में ये सूरत में लड़ाई हार जाते हैं ब्रिटिश के कैप्टन बेस्ट के अंडर। ठीक है, चलिए तो और लास्ट में इनके बाद ये लोग इंडिया में काफ़ी समय तक रहते हैं। और लास्ट में मान लो 1961 में इन्हें भारत से ऑपरेशन विजय के बाद छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे हमारे पोर्तुगीज से रिलेटेड जो हमने कर लिए। अब हम आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जो आती है, फॉर्मेशन होती है 1602 में। ठीक है, फॉर्मेशन 1602। ठीक है, फॉर्मेशन कब थी, 1602 में फॉर्मेशन थी। बट जो फर्स्ट डचमैन थे जो रीच करते हैं सुमात्रा बैतान, वो 1596 होता है, इसलिए 1596 ही यहाँ लिख गया। ठीक है, बट फॉर्मेशन हुई थी कंपनी की कब, 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, और डच सेटलमेंट्स कहाँ थे, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मसूलीपट्टनम में 1605 में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की। और उसके बाद इन्होंने नगरपट्टनम जो नियर मद्रास को भी वहाँ पे इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। फिर कोरामंडल कोस्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में भी इनके एस्टैब्लिशमेंट थे। 1609 में इन्होंने एक फैक्ट्री जो थी वो पोलिकट में स्टैब्लिश की, नॉर्थ मद्रास में। फिर उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा याद रखना होगा कि कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री किस क्रोनोलॉजी में इन्होंने डाली थी। तो सूरत 1616, बेलीपट्टा 1640, कार्याकल्ला 1645, चिंसुरा 1655 53। फिर उसके बाद कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नगरपट्टनम और कोचीन, ये सारा आपको सीक्वेंस ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि ट्रेडिंग का क्या होता था, ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो क्या क्या ट्रेड करते थे। तो ये इंडियन टेक्सटाइल, सिल्क और उसके बाद क्या नाम है, साल्ट पेटर, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ओपियम, राइस, ये सब पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो क्या एक्सपोर्ट करते थे, इम्पोर्ट करते थे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एंग्लो और डच की राइवलरी के बारे में। तो एंग्लो और डच की राइवलरी जो है वो आम बात है, कॉमन जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे उसके ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लड़ाई इनकी अबोयाना जो है, एक प्लेस है इंडोनेशिया में, वहां से स्टार्ट होती है, अबोयाना यहां से ये स्टार्ट होती है। और जो उसके बाद आके चल के खत्म होती है कब, इनकी 1667 में, जब डच अपने आप को पूरी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं कहाँ, इंडिया से, और कहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, पूरा का पूरा अपना जो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ रखते हैं, कहाँ पे, इंडोनेशिया में रखते हैं। ठीक है, बट सारा सब कुछ इनका जो खत्म होता है वो किसके बाद होता है, आपको ध्यान रखना है, जो मेन बैटल है, बैटल ऑफ बेदारा जो है, जिसमें इंग्लिश क्या करते हैं, डच को पूरी तरह डिफीट कर देते हैं। और किस में होता है, थर्ड एंग्लो डच वॉर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कब से कब होती है, 1672 से 1674 तक। ठीक है, मेन आपको बस ध्यान इसमें जो चीज़ रखनी है डच और राइवलरी के बारे में, वो केवल बैटल ऑफ बेदारा ही आपको ध्यान रखनी है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बेदारा कब हुई थी, 1759 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डच के बाद। चलिए, बैटल ऑफ हुगली कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1759 में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ हुगली 1759, बैटल ऑफ बेदारा 1759। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पूरा डच का खेल खत्म हो जाता है, डच का खेल खत्म। अब उसके बाद देखिए, ये इंडिया था, इंडिया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सो फॉर्मेशन कब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन डेट्स पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। सो फॉर्मेशन कब हुई, 1600 में फॉर्मेशन हुई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेट पे ध्यान ना दें कृपया करके, 1600 में चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। फ्रांसिस ड्रेक जो थे, पूरा वॉयज करते हैं वर्ल्ड का। ठीक है, और 1588 में, और इंग्लिश की जो विक्ट्री होती है स्पेनिश आर्मेडा पे, इन दोनों के कारण इन्हें थोड़ा बूस्टअप मिलता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए और जाके ट्रेडिंग रूट्स खोजने चाहिए। 1599 में कंपनी बनती है मर्चेंट एडवेंचर्स, इसीलिए 1599 ऊपर डेट थी। ठीक है, जो आगे चल के 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनती है पूरी तरीके से कोलैबोरेशन में। ठीक है, चलिए, और इसे क्या मिलती है, मोनोपोली मिलती है इंडिया में ट्रेड करने की। ठीक है, सबसे पहले अपनी एस्टैब्लिशमेंट ये वेस्ट और साउथ में लगाते हैं। 1611 में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, बाद में यहाँ परमानेंट फैक्ट्री 1616 में लगाते हैं। सूरत में परमानेंट फैक्ट्री 1613 में लगाते हैं, हमें मालूम है 1612 में कैप्टन बेस्ट हरा देते हैं पोर्तुगीज को। और यहाँ पे जो फैक्ट्री लगाते हैं किसके अंडर, थॉमस एडवर्ड के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, एडवर्ड,
तो ये सब पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, ये सब ध्यान रखने होंगे। 1615 में सर थॉमस रो क्या करते हैं, एम्बेसडर के तौर पे जाते हैं जेम्स फर्स्ट के कोर्ट के जहांगीर के, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिल जाती है आगरा, अहमदाबाद और बरोच पे। नेक्स्ट है 1668 में इन्हें क्या मिल जाता है, बॉम्बे मिल जाता है, ठीक है। ये हम पॉइंट पहले ही कर चुके हैं, 1668 में क्या मिल जाता है, बॉम्बे मिल जाता है। और हेडक्वार्टर को ये शिफ्ट कर देते हैं बॉम्बे, कहां से, अपना वसूली पट सूरत से, और कहां पे बॉम्बे ले आते हैं, 1687 में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से इन्हें गोल्डन फरमान मिल जाता है। फ्रांसिस डे जो होते हैं 1639 में चंद्रगिरी के रूलर से क्या पा जाते हैं, फोर्टिफिकेशन करने का, फोर्टिफाई करने का पा जाते हैं परमिशन, और मद्रास में क्या बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे, मद्रास में। फिर उसके बाद ये अपनी एक्टिविटी ईस्ट में भी बढ़ा देते हैं, हरिपुरा, महानदी डेल्टा और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भी ये अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं 1633 में। अब बात करते हैं बंगाल के ऊपर किस तरीके से अपना एस्टैब्लिशमेंट की पूरी बात करते हैं, ठीक है। तो शाह तुजा जो थे वो सूबेदार थे बंगाल के 1651 में, ये अलाउ कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप यहाँ पे अपना ट्रेड कर पाएं, ठीक है। और फैक्ट्रीज जो अपनी बंगाल में ये लोग एस्टैब्लिश करते हैं उसमें हुगली में कब करते हैं, 1651 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अपनी कासिम बाजार, पटना और राजमहल में, ठीक है। और विलियम हेजेस जो थे वो फर्स्ट एजेंट थे गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल एम्परर थे कौन, सियासत खान, कहाँ पे, बंगाल में 1682 में। तो इनके साथ बात काफ़ी करते हैं ये लोग ब्रिटिश की, भैया हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हमसे घूस मांगी जा रही है, ये सब वो सब, बट इतना कुछ खास इनके लिए सुनते नहीं हैं ये लोग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ब्रिटिश नाराज भी होते हैं, क्योंकि बेसिकली इन लोगों को भी बिजनेस ही करना होता है, ये तो बाद में टेरिटोरियल एक्सपांशन करने में आते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं 1691 में, ठीक है, जब इन्हें इंपीरियल फरमान मिल जाता है और अपना क्या नाम है, ट्रेडिंग करने का राइट मिल जाता है, कहाँ से, बंगाल से, कि आप 3000 रुपये भरिए, ठीक है, और अपना काम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 1698 में हमने ये पॉइंट कर लिया, सूतनतुटी, गोविंदपुरा और कालीकट्टा, ये तीनों मिल जाते हैं जो आगे चल के कलकत्ता शहर बनते हैं, जहाँ पे क्या बनाया जाता है, फोर्ट विलियम बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या बनता है, इनका सेकंड जो होता है, सेकंड प्रेसिडेंसी बन जाता है, किसकी प्रेसिडेंसीशिप में, सर चार्ल्स आयर के जो बनते हैं यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट इस फोर्ट के, फोर्ट विलियम, ठीक है। जॉब चिनुक के बारे में हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो कुछ पॉइंट होते हैं जो नहीं दिए होते हैं स्पेक्ट्रम में, तो वो भी हम लोग करते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद कर रहे हैं, फारूक शेयर से क्या मिल जाता है, इन्हें गोल्डन फरमान मिल जाता है 1717 में, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के पोर्ट से आराम से क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, दस्तक का इशू आना ही था, ठीक है, क्योंकि दस्तक का ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, ये केवल कंपनी के शिप के लिए दिया गया था, बट ये लोग क्या करते थे, प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण नवाब को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो इसी को चल के आगे चल के नवाब और किसके बीच में, बंगाल ऑफ नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आगे चल के लड़ाई होती है, बक्सर ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी, और जिसके कारण पूरा बंगाल भी इनके अंडर चला जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये लोग अपने कॉइन भी बनाने लग जाते हैं, मिंट करने लग जाते हैं, जिनकी पूरी तरीके से वैलिडिटी होती है पूरे मुगल एम्पायर में, ठीक है। फिर उसके बाद सर विलियम नॉरिस जाते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, ठीक है, और वही ट्रेडिंग राइट्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि पहले बीच में औरंगजेब से झगड़ा मोल ले चुके होते हैं, तो थोड़ा मार पिटाई वो लोग इनकी कर चुका होता है, बस आपको थोड़ा विलियम नॉरिस का नाम ध्यान रखना है कि कौन क्या होता है, विलियम नॉरिस का होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी कंपनी भी बन के आती है, वो कंपनी को बाद में मिला दिया जाता है 1708 में, ठीक है, किस नाम से, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ठीक है। एक कंपनी आई थी बट उन्हें मर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में टेंशन आने लग जाती है, और बट नाम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता है, बट ये नाम इसका चेंज होता है, बट नाम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात थी, जितना भी हमें करना था, अभी ये हम केवल क्या कर रहे हैं, इनके एडवेंट की बात कर रहे हैं, इनका जो एक्सपांशन था, अभी एक्सपांशन की बात नहीं कर रहे कि किस तरीके से इन्होंने बंगाल, पंजाब और हर जगह पे इन्होंने अपना कब्जा किया, उसे हम आगे के अभी देखेंगे, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंच की, ठीक है, तो 1664 इन डेट्स पे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कब आए जो फ्रेंच भाई लोग थे हमारे, फ्रेंच भाई लोग कब आए, 1664 में आते हैं, ठीक है, और 1664 में आके इनकी एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो जाती है, ठीक। तो कौन, लुइस 14 जो थे उनके ऑर्डर मिलता है इन्हें, ठीक है, कोलबर्ट को लेड फाउंडेशन करते हैं, किसकी, ये कंपनी का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में 50 ईयर की मोनोपोली मिलती है, ठीक है। 1667 में फ्रांसिस कैरॉन जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं, ठीक है, और सूरत में अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं, मसूलीपट्टनम में 1669 में, 1673 में एस्टैब्लिशमेंट करते हैं चंद्रनागौर नियर कैलकटा। तो ये कुछ पॉइंट थे बेसिक जो आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है। और पॉन्डिचेरी जो था इनका मेन हेडक्वार्टर था, मेन सेंटर था, जिसे 1673 में जो शेरशाह लोदी थे उनसे इन्होंने ये पा जाते हैं, ठीक है। और फ्रांसिसो मार्टिन जो होते हैं यहाँ पे मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। और कब बनाते हैं ये लोग पॉन्डिचेरी को, कब स्टैब्लिश करते हैं, 1674 में इसे स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनके और जो अलग जगह फैक्ट्री थी वो थी माहे, कारिकल्ले, बालासुर, कासिम बाजार, ठीक है। अब इन्हें क्या होता है, फ्रेंच जो होते हैं, ठीक है, इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है जब डच क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं पॉन्डिचेरी का 1663 में। बट ट्रीटी ऑफ रिस्केविक में क्या होता है, वापस इन्हें क्या होता है, इनका पॉन्डिचेरी वापस मिल जाता है, ठीक है। और फ्रांसिसो मार्टिन डायड हो जाते हैं 1706 में। 1720 में पूरी की पूरी कंपनी को वापस बनाया जाता है एकदम नए तरीके से, ठीक है, एक नए नाम के तरीके से इन्हें बनाया जाता है। बट उसके बाद एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होती है वो हमें करना है कि किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट वॉर जो होती है दैट इज कर्नाटिक वॉर 1746 से 48, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के ऊपर बेस्ड थी, जो खत्म किससे होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से खत्म होती है। इसे याद रखा जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉमस की वजह से, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस जो हुई थी मद्रास में, उसके लिए इसे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद करते हैं हम लोग सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54, ठीक है। तो सेकेंड जो कर्नाटिक वॉर होती है ये किसके बीच में होती है, हमें पता ही है, हम लोग इसे पहले ही कर चुके हैं कि ब्रिटिश किसी को सपोर्ट करते हैं और ये लोग किसी को सपोर्ट करते हैं, चांद साहिब, दोस्त अली, ठीक है, इनका भी नाम ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद निजामुल मुल्क, और पूरे के पूरे जो पॉइंट थे हम लोग कर चुके हैं, मुजफ्फर जंग और चांद साहिब, और यहाँ पे नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में बैटल ऑफ अंबोर होती है, ठीक है, अंबोर होती है 1749 में। तो आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि ये बैटल की क्रोनोलॉजी आपको बनाए रखनी है। तो अभी जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो उसके बाद आगे जब हम लोग इसे भी खत्म करेंगे, एडवेंट के बाद इनका एक्सपांशन भी खत्म करेंगे, तो उसके बाद जितनी भी बैटल थी उन बैटल्स को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी खत्म करेंगे कि किसके बाद क्या क्या हुआ था, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो मुजफ्फर जिंग क्या होते हैं, सूबेदार बन जाते हैं, तब दुनियादारी की चीजें आपको ध्यान नहीं रखना, मेन यही ध्यान रखो कि ड्यूप्लिक्स होते हैं, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव आके बाद में आर्कुट वार्कुट सब कुछ जीत जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर होती है जो इसके ऊपर बेस्ड ही नहीं होती, वो होती है किसके ऊपर, सेवन ईयर ऑफ वॉर के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। और ये कब खत्म होती है, 1760 में बैटल ऑफ वॉडी वॉश में खत्म हो जाती है, और जिसके बाद होती है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, समझ में आगे बात। डच पहले डिफीट हो गए होते हैं बैटल ऑफ बेदारा में 1759 में, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंच भी खत्म हो जाते हैं और केवल इंडिया में कौन बचता है, ब्रिटिश बचते हैं। तो ब्रिटिश के पास कोई भी राइवल नहीं बचता है, पूरी मोनोपोली वो अपने ट्रेड पे ऊपर काबू कर सकता था, और जिसके कारण उसे बहुत सारा पैसा, पावर, सब कुछ मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे फ्रेंच को हराने के बहुत सारे कारण थे कि किस लिए वो फ्रेंच के ऊपर सक्सेस हुए। पहली बात देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, तो उसका गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का बहुत लेस कंट्रोल था, उसके जो गवर्नर्स थे, जो भी थे ऑफिशियल्स थे, वो फ्री में अपना अपने हैंड से थ्रू क्या ले सकते थे, फैसले ले सकते थे। बट फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं था, उन्हें हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती थी। इंग्लिश की नेवी बहुत सुपीरियर थी, ठीक है, इनके पास मेन चीज़ थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे बहुत अच्छे सब कुछ चीज़ें पहले से थी, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखिए कि इससे पहले 1757 में, इनका 1760 में हारने का मेन कारण क्या था, जब हम बंगाल को पढ़ेंगे कि किस तरीके से बंगाल पर एक्सपांशन ये लोग कर लेते हैं ब्रिटिश, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, इन लोगों के पास पूरा बंगाल आ जाता है, और बंगाल में ढेर सारा पैसा ही नहीं मिलता। उस सारे पैसे का इस्तेमाल ये लोग किसमें यूज करते हैं, फ्रेंच को हटाने में, ताकि फ्रेंच हट जाए तो इंडिया पे पूरा कब्जा इनका बढ़िया तरीके से बने। और ब्रिटिश के में बहुत बेहतरीन अफसर होते हैं, बहुत सब कुछ होता है। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं डेनिस की 1620 में, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करते हैं त्राकनबोर नियर तंजौर में, ठीक, और उसके बाद सीरमपुर इनकी मेन जगह थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ब्रिटिश क्यों सक्सीड करते हैं, इंग्लिश क्यों सक्सीड करते हैं, और अदर यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन पावर क्यों नहीं कर पाती। तो बेसिकली इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रखा था, इनका स्ट्रक्चर जो था बहुत ज़्यादा मजबूत था, नेवी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, स्टेबल गवर्नमेंट थी, बाकी जगह कुछ ना कुछ बवाल ही चल रहा था, ठीक है। हर जगह कंट्री जो बाकी थी वो सब अपने यहाँ क्या है, उनके यहाँ शांति नहीं थी, यहाँ पे केवल ग्लोरियस रेवोल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इनके यहाँ पे सही ही चल रहा था। तो इसलिए इनके पास एक पीस और एस्टैब्लिशमेंट थी, इसलिए ये लोग आराम से वहाँ पे कर सकते थे। फ्रांस में नेपोलियन और बाकी सब चीज़ों का वायलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद नेपोलियन वॉर, फिर उसके बाद डच और स्पेन आपस में 80 ईयर ऑफ वॉर्स में फंसे हुए थे। तो ये सब के कारण वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, बट ब्रिटिश के पास क्या थी, बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट थी। और ये लोग लेसर जील ऑफ रिलीजन के आए थे, रिलीजन को प्रमोट करने नहीं आए थे, बेसिकली इनको क्या करना था, अपने बिजनेस को बढ़ाना था।
अब बात करते हैं इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया पैसा, इनके पास पैसा भी बहुत था, इन्होंने डेप्ट मार्केट लेके आए कि भैया आप पैसा इन्वेस्ट करो और हम आपको प्रॉफिट देंगे, और वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक लेके आए, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बैंक ऑफ इंग्लैंड असल में कब आया, 1694 में आया। कब आया? 1694 में आया, बट इससे पहले एक बैंक बन चुका था, दैट इज 1668 में। ठीक है, द स्वीडिश रिस्क बैंक, कौन सा? स्वीडिश रिस्क बैंक एक बन चुका था सेंट्रल बैंक, बट कौन सा पहला बना? 1694 में इनका बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इनके पास फाइनेंस की कमी नहीं थी, फाइनेंस अच्छा खासा था, उस फाइनेंस से ये लोग क्या कर सकते थे, अपनी लड़ाइयां जो थी वो पूरी तरीके से फाइनेंस करके लड़ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है ये पूरा खत्म होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का। अब हमें एक बार इसे पूरी तरीके से थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि क्या कैसे किन सब चीज़ों को हमें क्या चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी है। तो जितने पॉइंट थे राजीव अहिर में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्हें हमने मार्क कर लिया है, बट बेसिक कहानी आपको जो ध्यान रखनी है वो यहाँ से ध्यान रखनी है, ताकि आप इस स्लाइड से आप बेसिक कहानी अपनी ध्यान रख सकें पूरी की पूरी, कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में कौन कौन सी कंपनीज बनी, किस ईयर में बनी, और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ इस्टेब्लिश की, ये आपको बेसिक पॉइंट पहला ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हर एक कंपनी के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हुआ, जैसे पोर्तुगीज में क्या हुए, ब्रिटिश में क्या हुआ, डच, डैनिश, फ्रेंच में क्या, कैसे मेन पॉइंट हुए, ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद राजीव अहिर में आप आएंगे और इस तरीके से पूरे जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जैसे 1453 आपको देखने को मिल रहा है, फिर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस देखने को मिल रहा है, तो इन सब पॉइंट्स को आपको यहाँ पे अलग से ध्यान रखना होगा। तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेंगे वो आपको सारे के सारे करने होंगे। तो बेसिकली सारे पॉइंट जितने भी थे वो हमने कर लिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन में, इससे ज़्यादा एडवेंट ऑफ यूरोपियन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम यहाँ पे आपका बढ़िया है एकदम। ठीक है, तो इस चैप्टर में एज सच और कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमारे हो गए, सब कुछ हो गया इसमें। सो अब हम लोग कुछ मेन पॉइंट देखते हैं, अगर कुछ बचा है क्या इसमें, तो इसमें अब कुछ नहीं बचा, तो सब कुछ हो गया हमारा, तो इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे हमने अपने तीन चैप्टर्स जो थे, ठीक है, तीनों चैप्टर्स हमने ख़त्म कर दिए, और बेसिकली हमारा जो एम था एडवेंट ऑफ यूरोपियन को ख़त्म करना। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन को ख़त्म करना, तो वो हमने ख़त्म कर लिया, उसके साथ जो अटैच चैप्टर्स थे, ठीक है, उन दोनों चैप्टर्स को भी हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो मेन चैप्टर्स थे, मेन चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो गया, और साथ में हमने सोर्सेस और साथ में मेजर अप्रोचेस, ये दोनों को भी ख़त्म कर लिया इस पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होगा कि इंडिया ऑन ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, और उसके बाद उसमें वही हम एक चैप्टर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चैप्टर्स जो हैं बड़े हैं उन्हें हम अलग अलग तोड़ के करेंगे, और जहाँ पे हम एक दो चैप्टर्स जो एक साथ लिंक किए जा सकते हैं उनको हम लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इन तीन चैप्टर्स को एक साथ ख़त्म किया है। सो प्लीज़ आप लोग जो आपकी राजीव अहिर है, ठीक है, राजीव अहिर है, उसको आप लोग पढ़ें। ठीक है, और उनमें इन सभी पॉइंट्स को नोट करें, मार्क करें, और फिर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ें। सो थैंक यू, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज माय कोड आलोक वाईटी, जिसे आप यूज कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट पाने के लिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।